हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत का संपूर्ण भूगोल। इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे जो आपका भूगोल है, जितने भी आपके भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे सब के सब आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ यहीं पर आपको मिलेंगे। जहां पर जरूरत है आपके स्ट्रक्चर की वहां पर स्ट्रक्चर होगा, जहां पर जरूरत हो ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जहां पर जरूरी है आपके वन लाइनर के तो वन लाइनर भी मिलेगा, और जहां पर डायग्राम के माध्यम से तो डायग्राम की जरूरत यहाँ पर है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, और आपके याद रखिएगा आपको वर्दी दिला करिए यहाँ पर क्लास जाएगी, जो कि देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, और जिस प्रकार से आपकी बेहतर तैयारी चली है, हम भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी रात दिन मेहनत कर रहे होंगे और अपने आप को बिल्कुल तरीके से लोहे की तरह तपा रहे होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तैयारी आप सभी की अच्छी है, आवाज आ रही है ना, एक बार सभी लोग थम्सअप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, राधे राधे, जय हिंद। रेडी है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चलिए, जवाब देना है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है किसी देश के साथ लगती है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, लगभग लगभग यहाँ पर सभी के जवाब आ गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है, ये है आपके भारत और बांग्लादेश, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये बांग्लादेश में यहाँ से आपकी सीमा स्टार्ट होती है, कुल मिला के यहाँ तक जाएंगे तो ये एक सबसे लंबी सीमा आपकी निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है, आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी यहां पर देखिए बांग्लादेश के साथ मेघालय आपका लगा हुआ है, ठीक है ना, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर, क्या मणिपुर इससे सीमा बनाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, मणिपुर, मणिपुर कहीं कुछ इस प्रकार से पड़ जाता है ना, इस प्रकार से यहां पर पड़ जाएगा, इसलिए बांग्लादेश से आपकी सीमा नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे दिया गया है, कह रहा है भारत की मानक यमोत्तर रेखा कितनी है। चलिए देखिए, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया कि भारत की जो यमोत्तर रेखा है वो आपकी कितनी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 82.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है आपका, पहला ही ऑप्शन में से राइट हो गया है, पहला हो जाएगा, है ना। हमने कहा सर ये जो आपकी जाती है कितने राज्यों से जाती है, तो भारत में से 5 राज्यों में जाती है। 5 राज्यों की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सबसे पहले आपके यूपी से जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जाती है 5 राज्यों से जाती है। क्लियर हो गया है? चलिए अच्छा, अपने भारत में उत्तर प्रदेश में कहाँ से जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जाती है आपके नैनी के पास से जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अब देखिए अरावली श्रेणी से क्वेश्चन बनकर ही जाता है, एक नंबर देकर ही जाएगा। देखिए अरावली श्रेणी की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। और देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में किसका नाम आता है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में नाम आता है अरावली श्रेणी का आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका 80 नंबर, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताना है जिसे पृथ्वी के ग्रह अर्थात पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर वन ज्यादा है ना, फॉरेस्ट अर्थात तो वर्षा वन ज्यादा है। देखा जाए दुनिया का 20% ऑक्सीजन, दुनिया भर का 20% ऑक्सीजन यहीं से आपको मिल जाता है, इसलिए पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। अमेजन की बात करते हैं तो एक अमेजन नदी है, और अमेजन नदी विश्व की चौड़ी नदियों में से पहला स्थान आता है, बहाव के हिसाब से ये पहला स्थान आप आता है, चौड़े के हिसाब से पहला, लेकिन लंबाई के हिसाब से पूछे लंबाई में सबसे विश्व में लंबाई में कौन सी पहली है, तो आप कहेंगे लंबाई के हिसाब से नील नदी जो आपकी विश्व में पहले स्थान पर होती है। क्लियर हो गया है? ठीक है ना। एशिया में कौन सी है, तो एशिया में यांगसी नदी जो कि आपकी चीन में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार आपके पाए गए हैं। जितना हम आपको बताते जाएं, जितना डिस्क्राइब करते जाएं, बस उतना ध्यान देते जाइएगा,
आपको पेपर आपको पूरी तरीके से लीक वाला हो जाएगा। देखो यूरेनियम खनन भंडार जो आपके पाए गए हैं या आपके कहां पर पाए गए हैं, तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यूरेनियम भंडार आपके जो पाए गए हैं वो आपके इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान है। हमने कहा जम्मू कश्मीर में भी पाया गया था, जम्मू कश्मीर भी पाए गए हैं, यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका राजस्थान इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। यूरेनियम जो कि दुनिया के दुर्लभ धातुओं में से सबसे खनिजों में से एक माना जाता है, आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चार हिल स्टेशन के नाम बताना है। देखिए भारत के चार हिल स्टेशन आपसे कह रहा है, अब ये बताइए भारत के चार हिल स्टेशन इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। यहां पर देखिएगा पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है यहां पर कौन सा पॉइंट है, कह रहा है भैया जो आपका दिया गया है मन्नार है ना, क्या दिया है मन्नार दिया गया है, तो आप कहेंगे सजी पहला आपको कौन सा है चार, इसमें कह रहा है कि सजी दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम में, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। अब जब दक्षिण से उत्तर पहुंचेंगे दक्षिण में सबसे दक्षिण में जाएंगे मन्नार मिलेगा, क्या मिलेगा मन्नार जो कि आपकी तमिलनाडु में है, कहां पर है आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए कोडागु, कोडागु जो कि आप पड़ता है आपके कहां पर, कोडागु पड़ता है आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे माउंट आबू आ जाएगा, माउंट आबू में पहुंच जाएंगे। इसके बाद पहुंचेंगे आपके डलहौजी, जो कि डलहौजी कहां पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, तो यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन है पी क्यू आर एस, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो आपकी इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी उत्तर भारत है ना, यहां पर देखा जाए तो उत्तर भारत और इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इस प्रकार से जो आपका ये भारत आपका है इनमें से जो अलग करती है श्रेणी वो आपकी कौन सी श्रेणी है जो अलग करती है, तो दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर भारत आपका यहां से ये हो गया सॉरी नीचे वाला, और ये जो आपका उत्तर भारत आपका यहां से हो गया तो इस बीच में एक रेखा होगी कहीं ना कहीं है ना, कोई रेखा आपकी है, ये वाली जो रेखा आपकी है वो कौन सी है, तो इनमें से दोस्तों नोट कर लीजिएगा ये है आपकी विंध की श्रेणी है, क्या है विंध की श्रेणी है जो आपके उत्तर भारत को और आपके दक्षिण भारत को क्या करती है अलग करती है, तो आपका हो गया आंसर कौन है यहाँ पर सी नंबर आपको बता देना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपका सही दिया गया है, पहाड़ी दर्रों के बारे में पूछा गया है सही दिया गया है। देखो हमने कहा सर बोमडीला दर्रा कहां पड़ता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में है, आप कहेंगे नहीं है, ये कहां पड़ता है, तो आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, कहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पहला तो भाई गलत हो गया है। नाथुला दर्रा कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में पड़ता है, कहां पड़ता है तो आपके सिक्किम में पड़ता है, ये भी गलत हो गया है। लिपू लेख दर्रा कहां है, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में है, मतलब आपसे मरा कसी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा आपकी हिमाचल प्रदेश में है, कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन मरा कसी वाला जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही क्रम आपको बताना है। अब यहां पर देखिए हिमालय की जो चोटियां हैं ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा है ना, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट कितनी 8848 है, कौन सा ऑप्शन आपको मिला है 8848, देखिए यहां पर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है धौलागिरी 8167 है, 8167 धौलागिरी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बन गया। इसके बाद जो आपका है कौन सा कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 है, 7756 यहाँ पर आपका इसका डी हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा जो आपका आता है वो 80 आपका 91 हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर देखिए कोई मिल रहा है क्या, पहला ऑप्शन देखिए आपका मिल गया है, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक क्षेत्र को कवर कर दिया है हमने, गागर में सागर कर दिया इस क्लास को कि आप देख लेंगे तो हर एक वो चीज मिल जाएगी, हर टोटल चीज आपको मिलने वाली है। देखो कह रहा है कम से कम वर्षा की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्था तथा विविधताओं की औसत स्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए जिस डिफरेंस ना हो, अगर इतने वर्षों बाद डिफरेंस होता है तो हम लोग कहेंगे यहां पर परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा उस क्षेत्र में इस अवधि में से 30 वर्ष, मतलब कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्था में परिवर्तन या विविधता में परिवर्तन होना, यह होता है जलवायु। तो आप कहेंगे सर जी कितने वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष आपका होना जरूरी है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमांकन करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि भैया जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है वे भारत और किसके बीच आपकी जाती है रेखा, इनमें से क्या बन सकता है।
चलिए ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपके सभी के जवाब आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब आ गए हैं। आंसर बनेगा ए नंबर है, ये जाता है भारत और किसके, पाकिस्तान के बीच जाता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी नेपाल के सॉरी चीन के साथ कौन सी रेखा जाती है, तो आप कहेंगे चीन के साथ जाती है मैकमोहर रेखा। क्या है, मैकमोहर रेखा आपकी ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के बीच है, यहाँ पर रेखा है, ठीक है ना। अगर पूछे सर जी कि ये बताइएगा कि एक हमने पढ़ा है कौन, यहाँ पर डूरंड रेखा, तो आप कहेंगे सर जी डूरंड रेखा जो आपकी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान हो जाएगा। ये बड़ी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेक कह रहे हैं नेक नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर आपकी बहती है, तो यहां पर केन नदी है, माफ करिए केन नदी है, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि दो राज्य, एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो दूसरा आपका कौन हो गया, यहां पर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों केन नदी जो आपकी है ना, ये आपकी आती है आपकी गंगा आपकी यमुना में मिलती है, आपके जो चिल्ला के पास चिल्ला घाट बांधन पड़ता है वहां पे आप पड़ती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सर ये एमपी और यूपी की क्या है, ये आपके होकर बहती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है, 13 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखो भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहां मिलेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उष्ण, जहां पर गर्मी होती है, गर्मी होती है तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए भारत में, यहां पर ये वाला जो एरिया है कौन सा, केरल वाला एरिया है, यहां पर उष्ण भी है ना, तो आप कहेंगे सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं, तो यहां पर देखा जाए इन वनों में वर्ष में लगभग जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो इन स्थानों या इस वनों में लगभग आपकी वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक ही हो जाती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक ही हो जाती है दोस्तों, लगभग 200 सेंटीमीटर आपके पहुंच जाती है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में देखिए यहां पर उष्णकटिबंधी पाए जाते हैं, लेकिन आप अगर आते हैं मिजोरम में इधर साइड आते हैं है ना, इस वाले भारत में जहां सेवन सिस्टर है यहां पर आपके कैसे होते हैं, तो यहां तो उष्ण है लेकिन यहां पर हो जाते हैं समशीतोष्ण, कैसे हो जाते हैं समशीतोष्ण, क्योंकि कर्क रेखा यहां पर आपकी जाती है, नीचे जो आपकी जाती है वो भूमध्य रेखा आपकी जाएंगी, बहुत थोड़ा सा नीचे बहुत जाएंगे तो भूमध्य रेखा की वजह से ये उष्ण होता है और ये वाले आपके होते हैं समशीतोष्ण में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियां हैं। देखिए अगर आप जाते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपकी घाटियां इनको दून के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से, जैसे आपका देहरादून होता है, ये जो आपका मिलेगा आपके लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ही मिलेगा। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम दिया गया है। चलिए सबसे कम महिला लिंगानुपात जो आपका है वो आपके कहां पर है, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। हमने कहा सर उत्तर प्रदेश का कितना है, आप कहेंगे सर जी लगभग 912 है। यहां पर देखा जाए सिक्किम में, तो सिक्किम में आपका करीब 800 कितना है, 890 आपका है। यहां पर पंजाब पूछे तो पंजाब का 895 है, कितना 895 है। बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में है 87879, कितना है 879 है, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है, क्योंकि जितने भी सौर प्रणाली में जितने भी ग्रह हैं वो तो चक्कर लगा ही रहे, खुद का भी चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर बताइए 16 नंबर का जो ऑप्शन को राइट कर दिया जाए वो कौन सा आंसर है यहां पर राइट हो सकता है। चलिए क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, अब देख सकते हैं यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक ही चक्कर लगाता है, चार चक्कर नहीं लगाता है, एक ही चक्कर लगा, क्वेश्चन को घुमाया गया है बस। हमने कहा कि सर जी ये क्या है, सूर्य है, अब यहाँ पर एक पृथ्वी है, अब इसमें चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा है तो जब ये आपका एक चक्कर पूरा करेगा तो अपनी भी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो आपको बताना है सर एक चक्कर ही लगाता है, मतलब खुद यहाँ पर होता है, जैसे जलेबी बनते देखा होगा आपने, जलेबी देखा होगा कि ऐसे गुंडे मारते फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे मारते जाते हैं, तो एक चक्कर तो पूरा होगा ना। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैलाव हुआ जो आपका है कितना है। चलिए भारत की मुख्य भूमि के बीच जो आपका देशांतर का फैलाव हो कितना है, देशांतर रेखा आपसे पूछा है।
क्या पूछा है आपसे? देशांतर पूछा गया है। अब देशांतर पूछा है तो देशांतर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये आपका प्यारा भारत हो गया है। अब यहां से देशांतर रेखा एक यहां से जा रही होगी, एक रेखा आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास से जा रही होगी। तो यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्थान होता है ये होता है 68° 68° 7' से ये दूरी जो आपकी पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो ये होता है 97°। कितना? 97°25' होता है। तो आप कहेंगे सर यही होता है आंसर, नंबर आपका ए हो जाएगा। और अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का आपका अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये भी बात को याद रख लेना है। अगर यहीं पर अक्षांश रेखा पूछ लेता, अक्षांश होता तो हम लोग अक्षांश की बात करते, अर्थात अक्षांश रेखा यहां पर होती है 8° 4' होता है। ऊपर जो जम्मू कश्मीर होता है वो 37° लगभग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब भी क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती तो आपको तो पता होना चाहिए। हमने कहा था मित्र पर गमछा झार, क्या ट्रिक होती है? मित्र पर गमछा झार। अब यहां पर देखो इससे देखेंगे तो आप कहेंगे मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। अब इनमें से देखा जाए कौन ऑप्शन नहीं मिला है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा या तो उड़ीसा दिया होगा या तो यूपी दिया होगा, क्योंकि ये रेखा के बीच में जो रेखा आपकी गई है वो इन्हीं दोनों के पास से गई है। आप देखेंगे यूपी बिल्कुल पास पड़ती है, उड़ीसा पड़ती है, इसलिए ऑप्शन को दिया जाएगा वो आपका या तो यूपी दिया जाएगा या तो आपको उड़ीसा दिया जाएगा, और पूछा जाएगा नहीं तो आपको आंसर लगा दिया जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का हुआ सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात झरना जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल बताना है। क्या बताना है? कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपके कर्नाटक में है, है ना। और याद रखिएगा कि यहां पर देखा जाए तो एक और आपका जलप्रपात होता है जिसका नाम आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात को नहीं लगाना, आपको लगाना है यहाँ पर, इसको लगाना है, कुंचिकल वाला लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है 20 नंबर में। हमने कहा सर प्रशांत के रिंग को क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है, यहाँ पर आंसर नंबर क्या बनेगा? तो कहेंगे सर जी इसे आग कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ आपको बताते हैं, जैसे प्रशांत महासागर है तो वहां पर क्या है कि भैया जो आपके ज्वालामुखी वगैरह है ना, ज्वालामुखी वगैरह भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या ज्वालामुखी वगैरह फटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा रिंग जैसा बन जाता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। तो ये होता है आग का एक प्रकार से रिंग होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। देखो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा 21 नंबर में। हमने कहा सर यहां पर देखा जाए सबसे लंबी तटरेखा जो आपकी है वो किसकी है, 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए जवाब बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर गुजरात की जो तटरेखा है किसकी है, गुजरात की तटरेखा है, जवाब नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गुजरात की रेखा, हमने कहा कितने राज्य हैं, सबसे पहले यही पूछेगा कि कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा है। तो हमने कहा सर जी यहां पर सबसे पहला गुजरात होता और इसी की लंबी तटरेखा होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। दूसरा यहां पर जो आपका आंध्र प्रदेश होता है उसकी दूसरे नंबर में है। कुल आपके जो आपके राज्य है वो 9 राज्य आपके हैं जो कि देखा जाए कैसे है तो तटरेखा में आपके। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है, ये पूछा गया है 22 नंबर में। तो भैया 22 की अगर बात कर देते हैं तो यहां पर आप कहेंगे सर जी यहां पर आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर, ये होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। हमने कहा कैसे दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि उष्णकटिबंधीय सबसे पहले आपके जो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं, चंदन के पेड़ कहां पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर जी हम लोग जब जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु, ऐसे एरिया में जाते हैं, जब ऐसे में जाएंगे तो हमने कहा था कि ये वाला एरिया होता है उष्ण होता है, हमने कहा सदा बहार उष्णकटिबंधी होते हैं यहां पर, तो उसी से आपको दिमाग लगाना है कि भैया ये उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसे हम लोग सुंदर वन का डेल्टा भी कहते हैं, इसे सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसको ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। हीरा यहां पर देखा जाए एक जिला पड़ता है पन्ना जिला। कौन पड़ता है? पन्ना जिला पड़ता है। पन्ना जिला में हीरा का उत्पादन आपका होता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मधेसी जनजाति भारत और के पड़ोसी देश में आपकी है। देखो मधेसी जनजाति ये भारत और उसका जो पड़ोसी देश है नेपाल। कौन है? नेपाल है। इसका आंसर बनेगा यहां पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां के निवास करने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं वो नेपाली लोग को मवेशी कहते हैं, अर्थात नेपाली लोग जो होते हैं उनको मधेसी कहते हैं। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? यहां पर बताइएगा ऐसा कौन सा पर्वत शिखर इन चार ऑप्शन में दिख रहा है जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका इनमें से लग रहा होगा। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 26 नंबर में। तो भैया 26 की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर इनमें से जो ऑप्शन है ये है आपका कंचनजंगा है। K2 तो दिया नहीं गया भैया, K2 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, K10 दिया गया है। तो K10 तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लगाएंगे कंचनजंगा जो आपका है ये सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर आपके स्थित है और इस पर्वत को बर्फ के 5 खजाने के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि बर्फ के 5 खजाने के रूप में पर्वत जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, तो भैया कंचनजंगा को ही जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछे दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कौन है दुनिया की, तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है कंचनजंगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रफल अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 थी, इसमें सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि देखी गई है एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में देखी गई है। कहां पर है? जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी इनमें वन आच्छाद में वृद्धि जो आपकी हुई है, क्या वृद्धि जो हुई है वो देखी गई है आपकी किसमें? आंध्र प्रदेश में देखी गई है। इसके बाद आपका तेलंगाना आता है दूसरे नंबर में, ठीक है। दूसरे नंबर में जो आता है वो तेलंगाना आता है, दूसरे नंबर में आपका तेलंगाना आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा आता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आता है सर जी एमपी क्या है, तो एमपी में दोस्तों क्या है, एमपी में सबसे ज्यादा वन है लेकिन वृद्धि जो आपकी हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। दोनों को मतलब समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है आपकी, तो देखिए गंगा की सहायक नदी रामगंगा है ना। यहां पर देखिए ये रामगंगा है, यहां पर यमुना भी है, घाघरा भी है, और भी ढेर होती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब हो जाएंगे। लेकिन भीमा नदी जो आपकी गंगा की है क्या? नहीं है। आप कहेंगे भीमा नदी जो दक्षिण भारत में बहती है ये है आपकी कृष्णा नदी की, किसकी है? तो आपकी कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हर एक चैप्टर को हमने इसमें मिक्स कर दिया है, कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपका बाकी ना हो, हर चैप्टर को इसमें मिक्स किया है। वो चीजें नोट करना है, वो चीजें इसमें इन्वॉल्व किया है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप कहेंगे सर बांदीपुर आपके कर्नाटक में है। कहां पर है? सी नंबर है, ये आपके कर्नाटक में है। और इसमें देखा जाए तो जैसे आपके बाघ है, चीतल है, जंगली कुत्ते आदि सब आपके पाए जाते हैं। अब देखिए कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके मिलेंगे, कर्नाटक में जैसे कि आपका होता है क्या, मधुमलाई। क्या होता है? मधुमलाई। मधुमलाई जो आपका है, मधुमलाई ये भी कहां पड़ता है? आपके कर्नाटक में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रमुख क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा केंद्र जो आपका मुख है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो ये भी आपका यहीं पर आपका है, ठीक है। नागर होल जो आपका है ये भी कहां पर है? आपके कर्नाटक में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? दोस्त 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
आप कहेंगे सर जी केंद्र शासित भी दिया है और राज्य दिया है, सिंपल सी बात है, आंसर आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। कितने हो जाएंगे यहां पर आपका जो आंसर होने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है और एक ही बार लाइक करिएगा, ज्यादा लाइक नहीं करेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा रहेगा, ठीक है। एक ही बार सब लोग दे दीजिए लाइक, बस उतना ज्यादा सही है, क्लियर है। चलिए कह रहा है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जानते हैं, चलिए बताइएगा आप भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं यहां पर बताना है। तो भैया पूर्व का एथेंस कहा जाता है ये जो आपका मदुरे है, कौन है मदुरे शहर कहां बसा है तो आपकी बैगई नदी के किनारे बसा है, कहां है तो आपकी बैगई नदी के किनारे ये आपका बसा हुआ है ना। और ये देखा जाए किसके तट पर, आपके तमिलनाडु, क्या हो जाएगा तमिलनाडु के तट पर आपका मदुरे है। मदुरे को दो विशेषताओं के कारण बोलते हैं पूर्व का एथेंस, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। एथेंस मतलब एक ग्रीस पैथियन से एक ऊंचा शीर्ष जगह भी है, है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से पांचवां ग्रह पूछा गया है। हमने कहा सर हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से पांचवां ग्रह इनमें से कौन सा है, तो सूर्य से कह रहा है इसका मतलब दूरी में पूछा है, क्रम से पूछा है कि क्रम के हिसाब से कौन सा है। तो हमने कहा सर ये आपका सूर्य है, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ये पांचवा आपका हो गया है कौन बृहस्पति, कौन है बृहस्पति हो जाएगा। हमने कहा सर जब बृहस्पति आपका दिया है तो ये भी क्वेश्चन आपका आंसर हो गया कौन बी नंबर हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो आपके कह सकते हैं उपग्रह है वो किसके हैं, सबसे ज्यादा जो उपग्रह है दोस्तों वो किसके हैं बता सकते हैं, सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो आपके किसके हैं ये भी आपको कमेंट करना है। हम आपको हमेशा बताते हैं जब अपडेट हुआ क्वेश्चन होता है ना, बहुत लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं है ना, जो नए जुड़े हैं उनको नहीं मालूम होगा तो वो बताइएगा सबसे ज्यादा जो उपग्रह है किसके हैं, तो आप कहेंगे शनि के हैं, लगभग 145 नहीं है, लगभग 145 लगभग आपके हो चुके हैं शनि के, और 94 या 95 लगभग हो गए हैं बृहस्पति के हो गए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछे कि भैया जो आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा ये आपके सौर मंडल में कौन से नंबर का उपग्रह है बड़े के हिसाब से, तो आप कहेंगे सजीव पांचवें नंबर में पृथ्वी आती है ना, और पांचवें नंबर में ही आपका चंद्रमा भी आता है जो उपग्रह में पूछा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। अब ये बताइए साक्षरता आपके सामने दी गई है, अब ये बताइएगा कि साक्षरता के हिसाब से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है यहां पर बता सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहां पर दिया गया है पहला पॉइंट कि पुरुषों की साक्षरता है 82.14%, ठीक है, क्लियर है। मतलब सभी भारतीयों स्तर पर देखा जाए साक्षरता दशमलव तो आपकी 74% आपका यहां पर दिया है, यहां पर दिया है महिलाओं के दिया है 74 दिया है। अब आप बताइए कौन संसर सही कर दिया जाए, कौन संसर ज्यादा बेस्ट आपकी है, तो इसमें देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट आपका सही है, क्योंकि यहां पर पुरुषों की जो साक्षरता है वो है आपकी कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 82.14 है ना, और यहां पर महिलाओं की है वो आपकी लगभग देखा जाए तो आपकी 65.65 है, तो महिला वाला तो आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया मात्र यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, चलिए बताइएगा कि कह रहा है भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, और सोने के भंडार कहां मिलेंगे, तो सोने के भंडार आपको मिलते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में कोलार की खाने हैं, है ना, कर्नाटक राज्य में जो कोलार की खाने हैं ये सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो यहां पर आपके सोने का उत्पादन आपका होता है, सोने के भंडार आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीने में की जाती है, चलिए यहां पर जवाब देना है आपसे राय है सर जी जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल होती कब है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो आपकी जुलाई अगस्त महीने में आपकी होती है, कब है? जुलाई या अगस्त महीने में आपकी हो जाती है, या तो आपका जून जुलाई कर देगा। अब आप देखिए आंसर क्या दिया है, और ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो तो आप लगा दीजिएगा, हमने कहा योरेज आपको लगा देना है तो सितंबर अक्टूबर आपको लगा दीजिएगा, हमने कहा योरेज आपको लगाना है, योरेज में जो नियरेस्ट आपका दिया गया हो उसको आपको लगाना है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा, यहां पर याद रखिए इसका जो आंसर है भीलवाड़ा, क्या है भीलवाड़ा,
तो दोस्तों नोट करिएगा, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं या आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अपने वस्त्र के लिए आपका जाना जाता है, सबसे ज्यादा कपड़े की कंपनियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। अब आप ये बताइए कि भैया आपको देखा जाए, एक क्वेश्चन होता है जयपुर को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान में एक सिटी है जयपुर, तो जयपुर को क्या कहते हैं, चलिए राजस्थान को बताइएगा, जयपुर को क्या कहते हैं राजस्थान में, तो इसे बोलते हैं गुलाबी नगरी, क्या बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, या तो इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, इसे भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं, क्या भारत का पेरिस किसके कहते हैं, तो भारत का पेरिस किसे कहते हैं, तो आपकी जयपुर को ही कहा जाता है, इसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ये जो उदयपुर दिया है इसका काम क्या है, उदयपुर, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, क्या इसे झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों का जो शहर कहा जाता है ये आपके किसे कहते हैं, तो आपके उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और अगर जोधपुर को पूछे, एक और होता है जोधपुर, और जोधपुर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है नीली नगरी या ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जानते हैं, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर भारत में एक शब्द होता है मकराना, है ना, मकराना शब्द आपने नाम सुना होगा, मकराना से भारत का संगमरमर अर्थात भारत का संगमरमर शहर कहते हैं मकराना, जो कि सबसे सुंदर आपका कह सकते हैं कि वो जो होता है संगमरमर यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, जो भूरा कोयला होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो कहलाता है इसे कहते हैं लिग्नाइट कोयला, क्या बोलते हैं, लिग्नाइट कोयला जो होता है ये, इसे भैया अक्सर भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है, सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयले की निम्न कोट यही होती है, निम्न कोट आपकी यही होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल इनमें से कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा गया है, और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, यहां पर 38 को ऑप्शन देना है, तो भैया सहारा मरुस्थल, क्या है, सहारा मरुस्थल जो ऑप्शन डी दिया गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, यह सूडान के उत्तर से देखा जाए 1300 किलोमीटर चौड़ाई और एटलस पर्वत के दक्षिण से 5600 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह आपका बसा है, तो दोस्तों सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर संकेंद्रित है, तो वायुमंडल में पूछा गया है कि ओजोन परत जो आपको मिलेगी वो आपकी कहां पर मिलेगी, हमने कहा था वायुमंडल की परतें आपको पढ़ लेना है, यहां पर देखिए एक आपकी परत होती है, इस प्रकार से हमने इसको 5 पार्टों में विभाजित कर दिया। अब यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी ये होता है क्षोभ मंडल, क्या होता है, ये होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, यहां पर ये होता है समताप मंडल होता है, ये मध्य मंडल हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो ये वाला जो होता है वो आयन मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल होता है, लास्ट वाला वायुमंडल होता है, तो आपसे पूछा है वायुमंडली ओजोन परत, तो ओजोन परत पाई जाती है कुछ यहां पर और यहां पर पाई जाती है, और ये क्या है आपका समताप मंडल, तो आंसर बन जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछे मौसमी संबंधी घटनाएं कहां होती है, क्या पूछेगा, मौसमी संबंधी घटनाएं कहां होती है, बारिश कहां होती है, तो आप कहेंगे सर बारिश होती है आपके क्षोभ मंडल में, कहां पर है, मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, बारिश होना, तूफान आना, ये सब आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया जेट वायु विमान कहां होते हैं, कौन जेट जो विमान होते हैं, जेट विमान जो उड़ते हैं वो कहां पर उड़ते हैं, जेट विमान, तो आप कहेंगे जेट विमान के लिए चाहिए कि वातावरण बिल्कुल शांत हो, क्या हो, शांत हो, और शांत वातावरण होगा कहां पर, तो आपकी कहां पर समताप मंडल में, समताप मंडल में जेट विमान आपके उड़ते हैं, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, 40 नंबर ऑप्शन देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो पेपर के बाद वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, जिनको अच्छा ना लगे पढ़ने में वो पेपर के बाद वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आगे पेपर मिलाकर, ठीक है। देखो भैया नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है और 40 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नाभिकीय संयंत्र एक ही है, कौन सा नाभिकीय संयंत्र है, ये है नरौरा, क्या है, नरौरा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, ये आपके यूपी में पड़ता है आपका नरौरा, उत्तर प्रदेश का आपके एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है। अगर पूछे सर जी कि कैगा कहां पड़ता है, तो कैगा आपके कर्नाटक में है, क्या है, कैगा आपके कर्नाटक में है,
इन शब्दों को भी मिला लेना जो हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैगा कहाँ है, कर्नाटक, नरोरा कहाँ है, यूपी में है। ऐसा नहीं कि 75 क्वेश्चन में सोचो 75 क्वेश्चन होंगे, जितना हम बताते चल रहे हैं बस उसको भी नोट करते चलिएगा। देखो भैया कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखो काकरा पार पूछ लेता है, काकरा पार कहाँ है आपके गुजरात में है। कहाँ पर है आपके गुजरात में है। तो आपके चारे क्वेश्चन से आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया है एक अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है। अगर एक अक्षांश की बात किया है तो भैया ये कितने के बराबर होता है ये बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या कर दिया जाए। चलिए एक अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए 111 किलोमीटर कितना होता है, 111 किलोमीटर आपका होता है दोस्तों, या तो कभी कभी मील में आ जाता है। कितने मील का है तो याद रखिए कितने मील का होता है, तो 69 मील के लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित देश और राजधानी का युग्म आपका सही दिया गया है। तो देखिए कौन सी राजधानी कहां से है, पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है फ्रांस की राजधानी क्या मैड्रिड है, नहीं है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है। क्या है पेरिस हो जाएगी फ्रांस की राजधानी। अभी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या सिडनी है, क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या है कैनबरा है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा है, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है सिडनी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ना ही तो आपका फर्स्ट सही है ना ही तो आपका सेकंड सही है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपको कुछ राजधानियां हम बता दें तो उन राजधानियों को आप लोग जरूर पढ़ ले जाए। जैसे हमने बताया सर जी कि चीन की राजधानी क्या है, बता सकते हैं चीन की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे चीन की राजधानी क्या है बीजिंग है। क्या है बीजिंग आपकी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की तो जानते हो जापान की राजधानी बताइए, जो बहुत पूछी जाती है जापान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे टोक्यो है। क्या है जापान की राजधानी, यहाँ पर टोक्यो हो जाएगा। अगर पूछे यूके की राजधानी क्या है, ये उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, यूके की बात हो रही है दोस्तों, लंदन। क्या हो जाएगा लंदन, इनको तो आपको रट्टा मारना है ना। मिस्र की राजधानी बताइए, मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी आप कहेंगे काहिरा। क्या है मिस्र की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर जी काहिरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटाव। क्या होता है ओटाव होता है, ओटाव हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अभी हमने बता ही दिया कैनबरा, एक बता दीजिए अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी है क्या, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। क्या होता है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स होती है, याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो आपका है ये कहाँ पर है, चलिए बताइएगा आंसर क्या बनेगा। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है, देखा जाए तो भैया भूमध्य सागर में है। कहां पर है भूमध्य सागर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसको भैया क्या बोलते हैं स्ट्रामबोली को, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है स्ट्रामबोली को, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताओ किलिमंजारो कहां पड़ता है, किलिमंजारो किलिमंजारो, किलिमंजारो जो आपका पर्वत है ये कहाँ पड़ता है, किलिमंजारो जो पर्वत पड़ता है ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पड़ता है, तंजानिया में। कहाँ पड़ता है तंजानिया में, पड़ता है तंजानिया में, पड़ जाए तंजानिया में। माउंट एटना आपके इटली में पड़ जाता है, ठीक है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो आपका है इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी पूछा जाता है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी इक्वाडोर में है। कहां पर है इक्वाडोर में आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ये हाँ कह रहा है वांगहो नदी को है ना चीन का अशोक कहते हैं, मतलब कह रहा है यदि वांगहो नदी को चीन का अशोक कहते हैं तो बिहार का अशोक किसे कहते हैं, चलिए बिहार का अशोक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बिहार का अगर पूछा जाए बिहार का अशोक, तो बिहार का अशोक क्या हो जाएगा कोसी को कहा जाता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा टेढ़ी नदी जो आपकी है वो कौन सी है, तो ये आपकी कोसी नदी ही है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर काफी नुकसान होता है ना, इसे बिहार का अभिशोक अभिशाप कहते हैं, इसे बिहार का अशोक भी कहते हैं, और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है वो आपकी कौन सी होती है। क्या आप तुक्का मार के इसका आंसर लगा सकते हैं, या ऐसे ही लगा सकते हैं तुक्का, थोड़ा सा तुक्का लगा दिया करें, दिमाग थोड़ा लगाया करें, तुक्का लगाएंगे जब दिमाग लगाएंगे।
हमने कहा सर जी ये बताइए काजू होता कहां पर है, आप कहेंगे भारत में काजू होता है कहां पर है, तो आपके केरल साइड में आपका होता है। अब केरल में मानसून पहले आता है तो यहां पर बारिश जो होती है तो मिट्टी की उपजाऊ वाली भूमि से उपजाऊ वाली मृदा भग जाती है, तो यहां पर मृदा पाई जाती है लेटराइड मृदा। कौन से है? लेटराइड मृदा, जो आपकी लेटराइड मृदा होती है ना, वहां पर आपकी पाई जाती है। याद रखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि सर जी काजू के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो लेटराइड मृदा आपकी होती, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है, ये है आपका ग्रीनलैंड, है ना दोस्तों। याद रखिए ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप आपका है ना, और ये जो आपका अधिकार है इसमें किसका है, तो आपके नीदरलैंड का अधिकार है, सॉरी डेनमार्क का अधिकार है, इसमें जो अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखा जाए सबसे बड़े चार अगर पूछ लिया जाए कि सर जी पहला नंबर तो आपका ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो दूसरे नंबर का आपका आता है न्यूगिनी हो जाएगा, इसमें यहां पर बोर्नियो आपका हो जाता है, मेडागास्कर हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, मतलब मृदा अगर अम्लीय प्रकृति की हो गई है, कैसी हो गई है, मृदा अगर अम्लीय प्रकृति की हो गई है तो इसमें हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता के द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात जो आपका पीएच आयन होते हैं, पीएच आयन जो आपकी प्लस होते हैं इनकी क्षमता को दर्शाता है, है ना। तो आप कहेंगे सर मृदा की अगर अम्लीयता हो गई है ना, अम्लीयता या क्षारीयता अभिक्रिया को निर्धारित करता है, पीएच आयन होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहां पर देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए गए हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान का मिलान आप लोगों को करना है। कह रहा है कान्हा जो आपका है किसके लिए जाना जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिए बाघ के लिए जानते हैं, किसके लिए, बाघों के लिए जानते हैं, यहां पर बाघ हो जाएगा। काजीरंगा जाना जाता है एक सिंह के गैंडों के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर जी गैंडा के लिए आपका हो गया। गिरी राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए जानते हैं, तो आप शेर मिला दीजिएगा, और ऑप्शन जो आपको मिल रहा हो तो आपसे मिला भी दीजिएगा। आप कहेंगे सर आंसर तो मिल गया बी ए सी, आपका आंसर हो गया बी नंबर, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करिएगा। यहां पर दिया है मिलान जो कि आपका दिया गया है 49 नंबर में, तो चलिए फिर 49 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है भैया कि यहां पर जो पड़ोसी देश के साथ समझौता हुआ है ना, सिंधु नदियां दिया है और पड़ोसी देश के साथ समझौता दिया है। देखिए सिंधु का जो आपका है सिंधु, सिंधु नदी का समझौता किसके साथ है, तो आप कहेंगे सिंधु का है पाकिस्तान के साथ है ना। गंगा नदी का किसके साथ समझौता है, तो गंगा नदी कहां जाती है, आप कहेंगे सर जी बांग्लादेश में जाती है, इसका मतलब बांग्लादेश से समझौता हुआ होगा, ये बांग्लादेश समझौता हो गया। और यहां पर बचा है कोसी, और कोसी का हुआ है नेपाल के साथ हो जाएगा, बस बिल्कुल आसान आपका दिया गया है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, 50 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा भूकंप को रिकॉर्ड करना है, और भूकंप का रिकॉर्ड करने के लिए होता है सेस्मोलॉजी, क्या होता है, सेस्मोग्राफ जिसे बोल दीजिएगा। यहां पर आंसर क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, सेस्मोग्राफ हो जाएगा। और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रेक्टर स्केल से मापा जाता है, रेक्टर स्केल से मापते हैं। यहां पर देखिए हमने कहा कि भूकंप को मापने की तीन प्रकार के आपके होते हैं, तीन स्केल होते हैं, एक होता है रास फॉरेल स्केल, एक मार्केली होता है, और एक रेक्टर होता है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में जानी जाती है। अब ये बताइए भारत की लैगून झील के रूप में किसे आप बोलेंगे, भारत की जो लैगून झील है इनमें से कौन सी झील है ये बताना है। देखिए भैया यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा डी नंबर, ये जो आपकी है चिल्का झील है। दोस्तों आपको बताया गया है कि जो चिल्का झील है वो कहां पर है, तो आपके ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में है। ये कैसी झील है, आपकी लैगून झील है। लैगून झील मतलब होता है जो कि समुद्र के किनारे होता है, पानी धीरे धीरे रस्ता हुआ यहाँ पर अंदर आ जाता है, और ये भैया खारे पानी की है, और जब बारिश का समय आता है तो ये मीठे भी हो जाती है। तो ऐसी झील आपकी ये खारे मीठे दोनों की है, बाकी खारे की आपकी अधिकतर रहती है, ठीक है ना। तो ये आपकी है कौन सी, लैगून झील, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है।
चलिए बताइएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है और ये भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बोलते हैं बैरन द्वीप पर आपका है। बैरन द्वीप कौन है? बैरन, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आपके कहां पर है? अंडमान द्वीप में आपका स्थित है। अगर पूछे सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी में आपका यहाँ पर आता है नारकोडम होता है। दो ही ज्वालामुखी आपके भारत में, एक तो आपका सक्रिय है और दूसरा आपका सुप्त जो कि आपका नारकोडम है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूरी है पृथ्वी की, तो ये बताइए कौन सा महीना होगा, ये कौन सा महीना है? तो आप कहेंगे सर जुलाई का महीना है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा दूरी होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और अगर यहां पर बात होती 3 जनवरी की, किसकी? 3 जनवरी की अगर बात होती तो वो हो जाता क्या? उपसौर, जो कि सबसे पास होती है। आगे इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? नहीं शब्द आपसे दिया है। देखो सवाना घास के मैदान आपने तो हमेशा पढ़ा है कि भैया अफ्रीका में है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन आपकी यूरोप में दोस्तों नहीं है। याद रखिएगा सवाना घास के मैदान अफ्रीका की आधी सतह पर है, है ना? और याद रखिएगा मध्य अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहां पर बड़े भाग में शामिल है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है यूरोप में आपके दोस्तों आपके नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन हो सकती है? एशिया की सबसे लंबी बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हमने आपको पढ़ाया है इसी वीडियो में, है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपको ना पढ़ाया हो इसमें से। ऐसे नहीं है आपका मास्टर वीडियो हो जाता है, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन पूरा तरीके से ज्ञानवर्धक होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी आपके पूछा गया है और आप कहेंगे सर एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो आपकी है चीन में प्रवाहित होती है। कहां पर होती है? तो आपके चीन में, इसे बोलते हैं यांगत्ज़ी। क्या बोलते हैं? यांगत्ज़ी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक तो नील आती है और एशिया में पूछे तो आपकी यांगती हो जाती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं लातविया की राजधानी इनमें से कौन सी है? लातविया की राजधानी इनमें से कहां है, इसका जवाब देना है। लातविया की राजधानी दोस्तों याद रखिए रीगा। क्या है? रीगा। आपका बी हो जाएगा, रीगा हो जाएगा, ठीक है ना? और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? पिछली बार एक क्वेश्चन आपका आया था, ये बताइए जादूगोंडा जो आपका है किस लिए जाना जाता है? जादूगोंडा ये भारत में है, कहां पर है? सिंहभूम जिला, जो कि जादूगोंडा आपका एक गांव भी पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में। और ये जाना जाता है दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए। किसके लिए? तो जादूगोंडा खान भारतीय राज्य के झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है ना? और यहां पर देखा है यूरेनियम भंडार आपके 1987 में परिचालन आरंभ हुआ था, है ना? और ये भारत की पहली यूरेनियम की खान है, ये जो आपकी है जादूगोंडा, ये भारत की पहली यूरेनियम की खान है दोस्तों, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखो यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, हमने कहा सर ये आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना? यहाँ का जो जनघनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? भारत का गहना जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो भैया भारत का गहना जो कहते हैं ना वो नोट कर लीजिएगा, यहां पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा कौन सा? चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मणिपुर। ऐसे याद रखिएगा कि मणिपुर मड़ी हो गई, मड़ी एक प्रकार से इसको धारण कर लीजिए, गहना हो गया। तो आप कहेंगे सर जी कि यहां पर देखा जाए तो जो भारत का गहना कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मणिपुर जो आपका है ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक अंडाकार की घाटी है जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित एक आभूषण की दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा गया भारत का गहना कहा गया है। राजधानी पूछे कि मणिपुर की राजधानी, कहेंगे आपके इम्फाल है। अगर पूछे कि यहां पर देखा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की जो सीटें है आपकी 1 हो जाएंगी। लोकसभा की सीटें कितनी है यहां पर, तो आपकी 2 हो जाएंगी, ठीक है ना? और यहां पर दोस्तों मणिपुरी तो आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने के काम आती है? हमने कहा सर ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें है? आपके समताप मंडल में आपके पाई जाती है। मापने की इकाई पूछा है तो आपके सर डॉप्सन होती है, डॉप्सन मापी जाती है। ओजोन परत छिद्र कहां पाया गया है? तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में आपका पाया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कौन सा है? ये बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपके हैं ये मिलते कहां पर हैं? ये कहां पर मिलेंगे दोस्तों बताइएगा?
ये जो आपको मिलेंगे ये कहां पर मिलेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलेंगे वो आपके कहां पर मिलेंगे। चलिए बिल्कुल सही है, आप कहेंगे सर जी नीलगिरी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर नीलगिरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आप कहेंगे सर जी नीलगिरी की ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है ना। और इसके बाद अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ का सुरक्षित स्थान है, याद रखिए यहां पर आंसर बनेगा सी नंबर है, ये बाघ के लिए बहुत ही संरक्षित है। देखा जाए तो 1973 में दोनों को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है औद्योगिक संयंत्र और इसके स्थान से आपको मिलान करना है। भैया यहां पर देखो दिया गया है आपके सामने कुछ पॉइंट आपके दिए हैं, बालको जो कि संबंधित स्थान आपके है कहां पर है, तो ये पड़ता है कोरबा में, कहां पड़ता है कोरबा में पड़ता है, कोरबा आपका हो जाएगा। यहां पर इसको जो आपका दिया गया है ये आपके बर्नपुर में पड़ता है, बर्नपुर जो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। एनएफएल जो आपका है ये भटिंडा में पड़ता है, भटिंडा आपका हो जाएगा डी नंबर में। आईसीएफ जो आपका है ये कहां पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है, तो आपकी चेन्नई में हो जाएगा। जो भी मिलान मिल रहा हो मिलान कर लीजिएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि चिक्कामगलुरु जिले में स्थित है, या विशेष शिखर पर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, या कौन सा जानवर आपका है, मतलब ये जो आपकी पहाड़ी बनी है ना, ये जो आपका पहाड़ी बनी है, ये जो आपसे क्वेश्चन, अरे वो ना भी दिखेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रट्टा भी नहीं मार पाओगे, इतना कठिन था इसलिए उसको इसी हिसाब से लगवा दिया है। देखो भैया कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सी कह सकते हैं जो आपका केंद्रमुख है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी आपकी तीसरी ऊंची चोटी है, और देखा जाए आपकी कहां पर है, चिक्काम जिले में है, ये एक जानवर की तरह बनी है, ये कौन सा जानवर आपका है, तो दोस्तों याद रखिए घोड़े के चेहरे के जैसा बना है, कैसा है, तो आपके घोड़ा के चेहरा के जैसा यह बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब इस श्रृंखला में कन्नड़ भाषा में इसको कहा जाता है चिक्कम पुलर, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपको याद है। चलिए उत्तर प्रदेश में गंगा किस नदी में प्रवेश करती है, अब इतना तो आप बता सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वो प्रवेश करती है, वो आपके कहां पर प्रवेश करती है भैया, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहां पर देखो पीलीभीत, आप कहेंगे सर जी पीलीभीत तो नहीं होगा, है ना, यहां पर पीलीभीत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी अमर हो जाएगा, ये आपके बिजनौर में प्रवेश करती है, कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे सर जी बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में है, उत्तरकाशी जिले में से गौमुख के पास निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी के नाम से, है ना, कई नदियां आपकी होती मिलती जाती हैं। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो आपके बिजनौर जिले में ये आपकी प्रवेश कर जाती है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, आपके पूछा गया है देश और घास के मैदान। देखो केन्या में आपकी कह रहा है, केन्या में कौन से घास के मैदान होते हैं, तो ये कैंपास नहीं होंगे, सवाना घास के मैदान है, क्या है, सवाना घास के मैदान आपके मिलते हैं केन्या में, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास है, आप कहेंगे बी नंबर आपका सही दिया गया है। वेनेजुला में दोस्तों याद रखिए लानोस घास के मैदान है, किसके हैं, लानोस घास के मैदान है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज नहीं है, यहां पर प्रेरी घास के मैदान है, कहां पर है, प्रेरी घास के मैदान है। स्टेज बीज जो मिलते हैं यूरेशिया में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो आपका ये कहां पर स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, कब की गई थी, 1923 में की गई थी। ये जो डेयरी अनुसंधान है आपकी करनाल में पड़ता है, करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर जी सरदार सरोवर परियोजना से देखा जाए तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना, ये संयुक्त परियोजना यहाँ की है, तो आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल, ये बताइए 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है किसको करता है, आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार, है ना, और आपके यहां पर आंसर कौन है, ए नंबर इसको हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है जो आपका 10 डिग्री चैनल आपका है, ना, देखा जाए तो ये निकोबार 572 द्वीपों से मिलाकर बना हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है, ठीक है ना। बैरन द्वीप भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका यहीं पर आपकी है। चोटी की बात करें सैडल पीक आपकी यही चोटी भी है आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का
आरोही क्रम में आपको बताना है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, हमने कहा कुछ नहीं रट्टा मारना है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताया था, बचपन का सपना एमबीए, बचपन का सपना क्या है, एमबीए है, बस यही क्रम आपको रख लेना है। हमने कहा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, है ना, फिर यहाँ पर भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान, इस क्रम में आप देखेंगे तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या इनमें से राइट हो सकता है, अब तो बता ही सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर जो आपका क्रम है वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा, मिल गया है कि नहीं मिल गया है, नेपाल है, नेपाल है, और इसके बाद क्या दिया है, पाकिस्तान है, चीन है, और आपका बांग्लादेश दिया है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कह रहा है आरोही क्रम में बताइए, किस क्रम में बताना है, आरोही क्रम में बताना है। तो इसका आप देखिए आंसर कहां से, नेपाल, फिर इसके बाद यहां पर कौन है, पाकिस्तान, फिर चीन, फिर आपका बांग्लादेश, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है, आरोही नहीं पूछा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह इनमें से कौन है, सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई पूछा गया बंदरगाह, और ये दोस्तों ये बंदरगाह है मुंबई पोर्ट है, क्या है, मुंबई पोर्ट है, इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, मुंबई पोर्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि कोंकण तट पर बना हुआ बंदरगाह, स्थापना 1873 में कब की गई थी, 1873 में आपकी की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है, देखो कहेगा राजस्थान में नहीं है, ये आपको रट्टा मार लेना है क्वेश्चन को, कहेगा आपकी कर्नाटक में है, कहां पर है आपकी, कर्नाटक में आपकी है, यहां पर देखो कल्पक्कम दिया गया, आंध्र प्रदेश में दिया है, तो आप कहेंगे कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कहां पर है आपके, तमिलनाडु में है। तारापुर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी महाराष्ट्र में है, कहां पर है आपके, महाराष्ट्र में आपकी है। यहां पर काकरापारा गुजरात में है, यही इसका आंसर भी आपका सही है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव सप्ताह जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं ये बताना है। तो हमने कहा सर अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के लगभग बीच में ये मनाया जाता है, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। प्रथम बार जो मनाया गया था दोस्तों आपकी 1957 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है, आपसे कह रहा है कौन सी नदियां हैं, तो चलिए भी देख लेते हैं इसका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा। सहायक नदी आपसे पूछा है, तो ये बताइएगा कि गंगा की सहायक नदी आप कहेंगे सर जी सोन नदी हो जाएगा, है ना, सोन नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की आपकी मंजीरा हो जाएगा, कौन, मंजीरा हो जाएगा। कृष्णा नदी की आपकी कौन सी है, तो आपकी भीमा हो जाएगा। यहां पर पूछिए यमुना की कौन सी है, तो आपकी गंगे सर जी केन हो जाएगा। बस कितना आसान क्वेश्चन हो गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, ये जो आपका है बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया है, क्लियर हो गया है। तो भैया इस प्रकार से इसका मिलान कर लीजिए, आपको वन लाइनर में सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है। देखो आपसे कह रहा है कि भैया भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। अभी हमने बताया था भारत ऐसे है, दक्षिण में ही तो आपका आएगा ना हिंद महासागर। आगे बढ़िएगा कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय पर्वत हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत की मध्यान रेखा आपकी कौन सी है, भारत की मानक या उत्तर रेखा, यह है 82.5 पूर्वी देशांतर, जो भारत की नैनी से होकर जाती है, ठीक है, भारत के नैनी से होकर यहां पर जाती है और 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है ना। अगला दिया गया है भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है, तो 8° 4' से 37° 6' उत्तरी अक्षांश, अर्थात जो आपका भारत है तो यहां पर से एक रेखा जाती है, यहां से रेखा जाती है, वो इतनी विस्तार है 8° 37' 8° 4' से 37° 6' उत्तरी अक्षांश। अगला आपसे कह रहा है कि भारत के देशांतरी विस्तार कितना है, छुट्टी नहीं हुई है अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, छुट्टी कहाँ हुई है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी तो आपने थोड़ा ही देखा, ये ट्रेलर था आपका, ठीक है, अभी पूरी तो यहाँ पर रामायण ही बाकी है इस क्लास की, ठीक है, जाना नहीं है, जाएंगे तो क्या मतलब है। देखो भैया कह रहा है क्या भारत का देशांतरी विस्तार है, तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या हो गया, जो आपकी ये देशांतर रेखा एक यहां से जा रही होगी भारत के पश्चिम से एक पूर्व से, तो 98.7 से लेके ये 97.25 यहां पर जाती है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो गया ये। अगला पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, कितना है, 2.4%, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, चलिए बताइएगा भारत का कुल क्षेत्रफल इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, तो आप कहेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आप कहेंगे 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आपकी 7,516। तटीय राज्य मतलब ये हो गया कि एक तो तट आपके यहाँ पर हो गया 1600, साथ में यहाँ पर जो आपके कौन है, अंडमान निकोबार है, इधर आपका केरल में जो
द्वीप हैं, इन सब को मिलाकर ही होती 75.6 किलोमीटर होती है। यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय, अर्थात ये जो आपका तटीय एरिया था इतना, ये है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ को मिला दिया जाए जो आपके अंडमान निकोबार में है, इधर जो द्वीप है इन सबको मिला दिया जाए तो आपकी 7516 होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूरब से पश्चिम तक किस राज्य से विस्तृत है, तो पूरब में किबथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भैया पश्चिम में गौर माता जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण किस तरह क्रम में है, तो उत्तर में इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है, और दक्षिण में आपकी कन्याकुमारी जो कि आप देखेंगे तमिलनाडु। वैसे यहाँ पर दक्षिण में आपको कन्याकुमारी नहीं लगाना है, आपको लगाना है कहाँ पर, इसको कट कर दीजिए, आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट। क्या लगाना है? इंदिरा पॉइंट लगाना है, इंदिरा पॉइंट ये आपका है। लेकिन वैसे मुख्य भूमि का विस्तार पूछ लिया है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मुख्य भूमि दिया गया है ना, तो मुख्य भूमि का आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। अगला दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के निकट है, तो इंडोनेशिया के है। देखो वो पॉइंट पूछा गया, अगर पॉइंट पूछता तो अंडमान जो आपका अंडमान निकोबार लगा देते, लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि लगा दिया था इसलिए वो तमिलनाडु सही हुआ है वहां पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत का मानचित्र किसने बनाया था, तो इनका नाम है एन विले नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवासित है, अर्थात देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि तटरेखा से कितनी आपकी है, तो 12 नॉटिकल मील है, ये या इसे बोलते हैं समुद्री मील आपकी है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है कितनी, तो 1.824 यहाँ पर किलोमीटर होता है। भारत का समुद्री संलग्न क्षेत्र था जो आपका जोन आता है, ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक होता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, जो कि आपके तटीय से अर्थात जो आपके तट हैं, इन तटों से देखा जाए तो आपके 200 समुद्री मील तक भारत का आर्थिक क्षेत्र, अर्थात ये हो गया कि भैया जैसे भारत में मान लीजिए कि भारत में एक कोई खान निकल आई इसका पेट्रोल की, तो भैया अगर वो कितनी है 200 समुद्री मील में है तब तो भारत का अधिकार है, नहीं तो जो भी देश उसके पास होगा उसका अधिकार वहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। या जो भी कर लेंगे तो याद रखिए 200 समुद्री मील तक यहां पर अपना एक अधिकार आपका होता है, उसमें जो भी आपकी खनिज संपदा होगी उसमें उस देश का अधिकार होता है। अगला दिया गया है कि सरकरिक भारत व किस देश के मध्य विवाद है, सरकरिक एक आपका कह सकते हैं दलदली स्थान है, और ये विवाद जो आपका है भारत पाकिस्तान के साथ है। सरकरिक क्षेत्र कहां पर है, गुजरात के, जो गुजरात का कच्छ का रण है वहां पर है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी कौन सा है, आपका भूटान है। मन्नार की खाड़ी व पाक जलसंधि किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और आपके श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात जो आपकी LAC है ना, भारत और किस देश के बीच है। देखो LAC दिया गया है, LOC नहीं दिया है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये आपकी चीन के बाद जाती है। जो LOC रेखा आपकी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जाती है, तो जल्दीबाजी में इसको भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच जाती है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच जाती है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डूरंड रेखा की बात करते हैं, तो भैया यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में आपका है, मतलब इसका यह है कि डूरंड रेखा जो आपकी जाती है वो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जाती है, याद रखिएगा। दिया गया है कि डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो 1893 में। मैकमन रेखा जो भारत के किस देश के बीच में है, तो आपके भारत और चीन के बीच आपकी मैकमन रेखा है, याद रखिएगा, निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और बांग्लादेश में कौन सी है, तो जीरो रेखा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच है आपकी जीरो रेखा, याद रखिएगा, जीरो रेखा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी को और किस नाम से जानते हैं, तो केप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो 8 राज्यों से जाती है। मित्र पर गमछाझार, मतलब आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। अगला है कर्क रेखा पर सीमा बनाने वाले अंतिम दो पूर्वी राज्य कौन से हैं, तो कर्क रेखा पर सीमा बनाने वाले अंतिम, अर्थात देखा जाए तो त्रिपुरा और जो आपका मिजोरम है, ये अंतिम दो पूर्वी राज्य आपके हैं। दोस्तों कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भैया कर्क रेखा देखिए सबसे पहले भारत आपका ये बना दिया, तो कर्क रेखा ये जाती है और यहाँ पर मानक समय 82.5 आपकी ऐसे जाती है, तो भैया ये जो काटती है ना आपकी छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगले कोई पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया है कि भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय प्रयागराज के मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है ना। कुछ स्रोतों में प्रयाग का राज्य का नैनी दे देते हैं, जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही करना है। यहाँ पर दिया है कि भारत का मानक समय अर्थात ग्रीनविच समय से कितना आगे है ना, तो याद रखिए 5.5 घंटा आगे है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से कितना है, आप कहेंगे 5.5 घंटे आगे, अर्थात ऐसे आपको लिखे मिलेगा, ऐसे मिलेगा तभी आपको याद रखेगा, गलती मत करिएगा।
अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से, तो आप कहेंगे 5 राज्यों से। ये कौन कौन से राज्य थे, तो हमने कहा कि इनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये आपकी रेखा जाती है। यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतर है, तो भारत में जो आपका पूर्वी और पश्चिमी आपका है ये, इसमें 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच में समय का अंतर है वो 2 घंटे का है स्थानीय मान में। अगला आते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय में, आते हैं हिमालय पर्वत में आ गए हैं। हिमालय में देखिए कह रहा है ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर है, जम्मू और लद्दाख व तिब्बत में आपका स्थित है। ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो याद रखिए कौन सी आती है, तो देखिए कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये इसके अंतर्गत आपकी आती है। अगला भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे केटू गाडविनास्टिन, जो कि यहाँ पर याद रखिए इसे गाडविनास्टिन कहते हैं या केटू कहते हैं। गाडविनास्टिन किस पर्वत पर है, तो आप कहेंगे कराकोरम पर्वत पर आपकी है, ठीक है ना। याद रखिए एक क्वेश्चन और होता है कि उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं, श्रेणी को कहते हैं, तो जब काराकोरम श्रेणी आपकी है इसे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व की सबसे तीव्र ढाल पर्वत चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है ट्रांस हिमालय जो का है। याद देखिए राकापोसी पर्वत चोटी कहां पर है, तो राकापोसी पर्वत जो आपकी सॉरी यहां पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली आपकी है राकापोसी, और राकापोसी है किसमें, तो आपके ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो दिख दिया है कि ट्रांस हिमालय महानिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है, तो जो ट्रांस हिमालय है महानिमालय पृथक होता है आपका इंडस सांगपो, जो कि एक जोन होता है उस जोन के माध्यम, इंडस सांगपो जोन के माध्यम से अलग होता है। अब आते हैं अपने भारत में जो आपका महानिमालय है। अब महानिमालय से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा क्या कि महानिमालय को अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम लोग हिमाद्री या बृहद्हिमालय के नाम से जानते हैं। हमने एक बात बताया था आप लोगों को कि जो भारत आपका है, भारत में ये जो आपका पूर्वी घाट है इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय का जो आपका क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय आपका जो है ना, ये यहां तक आपका हिमालय है, अर्थात जो अंडमान निकोबार में जो छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं ना, ये हिमालय के ही भाग है, इसीलिए यहां तक की जो आपकी है इस चीज को हम लोग हिमाद्री कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो पूर्वी घाट आपका है हिमाद्री कहते हैं, है ना, याद रखिए महानिमालय को बृहद्हिमालय के नाम से जानते हैं। महानिमालय के विस्तार कहां से कहां है, तो लद्दाख से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक का विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो आपका है किस पर्वत पर है, आप कहेंगे महानिमालय पर्वत पर आपका है। माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सागर माथा के नाम से कहते हैं, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी आपकी है वो आपके कहां पर है, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महानिमालय पर्वत की जो चोटी कौन कौन सी है, देखो एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये आपके महानिमालय की आपकी सबसे ऊंची चोटियां हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको कंचनजंगा बताना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखा जाए, ये जो आपका दिया गया है, देखो पेड एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला है कंचनजंगा कहां पर है, तो आप कहेंगे सिक्किम में आपका स्थित है, है ना। अगला है महानिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, महानिमालय लघु हिमालय से होता है मेन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, याद रखिए महानिमालय और आपका लघु हिमालय, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, क्या दिया है, लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लघु हिमालय को अन्य किस नाम से, तो दोस्तों महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसे, लघु हिमालय को अन्य किस नाम से, तो महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु या मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां है, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से स्टार्ट होता है, नेपाल के भारत महाभारत श्रेणी तक आपका इसका विस्तार है। यहां पर एक आपका श्रेणी है जिसे बोलते हैं नागटिब्बा श्रेणी, या देखिए नागटिब्बा श्रेणी किस हिमालय श्रेणी का भाग है, तो लघु या मध्य हिमालय का यहाँ पर भाग है। मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी कहां पर है, तो आपके नेपाल में है। मध्य हिमालय की मसूरी श्रेणी कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। अगला दिया गया है कि मध्य हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहां पर है, तो धौलाधार श्रेणी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी, याद रखिए पीर पंजाल याद रखिएगा। देखिए मर्ग जो कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या पयार घास के मैदान कहां मिलेंगे, तो आपके लघु हिमालय में ही मिलेंगे। कहां मिलेंगे, लघु हिमालय में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग जैसे ये पर्यटन स्थल कहां मिलेंगे, मध्य और बाह्य हिमालय के बीच में आपके हैं। देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वतों के बीच है, तो मध्य और बाह्य हिमालय के बीच आपकी है मेन बाउंड्री फॉल्ट आपका, अर्थात मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करता है कौन, मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाह्य या शिवालिक हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय पूछा गया है। अब यहां पर देखा जाए, यहां से पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहां पर देखिएगा कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो दून के नाम से जानते हैं। विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, है ना, में कौन सी सबसे नवीनतम है, तो भैया जो शिवालिक पर्वत है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। बाह्य हिमालय का विस्तार कहां से है, तो भैया पाकिस्तान के बोटवार से बेसिन तक जाता है, अर्थात असम तक जाता है जो बाह्य हिमालय आपका है, है ना। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। देखो अगला दिया है कि मध्य हिमालय व बाह्य हिमालय के बीच समानांतर जो आपकी संरचनात्मक घाटियां उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार,
द्वार के नाम से जाते हैं, जैसे आपके देखा देहरादून है, और वहां पर जब जाएंगे पूरा में तो आपको द्वार मिलेंगे, जैसे कोट द्वार हो गया। अगला दिया है कि बाह्य हिमालय व उत्तरी मैदान को कौन अलग करता है। देखिए बाह्य हिमालय और उत्तरी मैदान को अलग करता है कौन, हिमालय फ्रंट जो फॉल्ट होता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। बाह्य हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, तो देखो अभी इस पॉइंट को समझेगा, कह रहा है बाह्य हिमालय के दक्षिण भाग अर्थात ये हिमालय है, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं तराई भाग। क्या बोलते हैं, तराई, है ना। और हिमालय का सबसे दक्षिण भाग आपका है, तो इसका सबसे दक्षिण वाला भाग हो जाएगा और नीचे वाला वो आपका शिवालिक हिमालय हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर पूर्वी हिमालय, देखिए कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। चलिए बताएगा कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पर्वतीय राज्य हैं, तो देखिए आपके असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात जो आपके सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी पे आपके स्थित है, याद रखिएगा। अगला है डाफला, क्या है, डाफला पर्वत किस उत्तर पूर्वी राज्य में है, तो डाफला है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नागा पर्वत उत्तर पूर्वी राज्य में, तो आपके नागालैंड में है। मिकिर, रेमगा, बामुनी पर्वत आपके हैं असम में है। मिजो पर्वत कहां पर है, आपके मिजोरम में है। इमताल श्रेणी, मणिपुरी, तो मणिपुरी, तो आप कहेंगे मणिपुरी हो जाएगा। पटकाई भूम पहाड़ियां कहां मिलते हैं, पटकाई भूम पहाड़ियां पूछी भी जाती हैं कि पटकाई भूम पहाड़ी जो आपके पर्वत है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। आपके दिया है मिश्री, है ना, ये जो आपका मिसमी मिरी आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके होंगे। यहाँ पर दिया है गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है, तो आपके मेघालय में, आपका एमपी है, पूछी भी जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कहां पर, भारत के प्रमुख पठारों में से। यहाँ पर देखो दिया गया है कि छोटा नागपुर का पठार, कह रहे छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मुख्यतः आपके झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार अन्य किस नाम से विस्तार है, तो छोटा नागपुर का पठार अन्य किन राज्यों में, तो भैया बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में, कुछ भाग आपके उड़ीसा में भी है, जो कि आपके छोटा नागपुर का पठार है। अब क्वेश्चन यह होता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है आपकी दामोदर नदी है। भारत का रूर किस प्रदेश को कहते हैं, भारत का रूर किस प्रदेश को कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ या पारस हिल कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार भी बिल्कुल आपका एमपी है, याद रख लीजिएगा। अगला है छोटा नागपुर पठार किस खनिज संसाधन हेतु लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला भंडार के लिए यह जाना जाता है। चलिए अगला है छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से कौन नदी अलग करती है। पढ़ लीजिए, बातें ना करिए, एक क्लास अगर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो आपका भारत का भूगोल है ना, यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बातों में लगे रहोगे तो बातों में ही लगते रहोगे, ठीक है। देखो कह रहा है छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार में कौन सी नदी करती है, तो ये है दामोदर नदी। क्या है, दामोदर नदी है। और एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं, तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है दंड कारण्य पठार, कभी कभी पूछ लेता है दंड कारण्य का विस्तार कहां पर है, तो ये विस्तार आपके देखिए उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक विस्तार है दंड कारण्य। ये देखिए दंड कारण्य पठार जो विस्तार है, ये बस्तर जिला जो की छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से आपका है। यहां पर एक धातु पाई जाती है टिन धातु, ठीक है। भारत में जो टिन धातु है, ये बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में, ये दंड कारण क्षेत्र में ही आपकी टिन धातु पाई जाती है। आते हैं यहां पर मालवा पठार से, मालवा पठार में क्या है, मालवा पठार भारत के किन राज्यों में विस्तार है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवा पठार को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, तो हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। यहां पर देखा जाए एक पॉइंट आपसे दिया गया है तराई क्षेत्र, अब देखो तराई क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां है, तो आपके सिंधु से तिस्ता तक जाता है। जो तराई क्षेत्र हम लोग कहते हैं ना तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र सिंधु से लेकर तिस्ता तक है, अर्थात भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र जो आपका होता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग आपके देखा जाए 15 से 30 किलोमीटर है। तराई क्षेत्र में किन तत्वों की प्रधानता होती है, चिकनी मिट्टी, रेत, बारी, कंकड़ मिलते हैं। तराई क्षेत्र में कौन सी फसलें की जाती हैं, तो दोस्तों गन्ना, चावल, गेहूं आदि कर सकते हैं। देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर, है ना। बांगर का कहां क्षेत्र विस्तार है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी है। बांगर क्षेत्र में नमक युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो रेह या कल्लर कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए जो कल्लर शब्द आपने सुना होगा कल्लर, तो भैया बांगर क्षेत्र में नमक युक्त जो क्षेत्र होता है ना, उसे एक रेह या कल्लर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। खादर का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपके है। खादर क्षेत्र में किस तत्व की अधिकता होती है, तो चीका की अधिकता होती है। खादर क्षेत्र में कौन सी फसलें, तो आपकी चावल, जूट, गेहूं, गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। नदी के मुहाने पर नदियों के अवसादों से निर्मित कीपनुमा आकृति को डेल्टा कहते हैं। कि क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय मरुस्थल। चलिए भारतीय मरुस्थल क्या कह रहा है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को है ना किस श्रेणी में, तो मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है, ठीक है ना। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर होता है, तो मरुस्थल में। जब रात होती है तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, जैसे ही आपको धूप निकलती है तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि बालू होती है और बालू थोड़े में गर्म हो गई, थोड़े में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। कच्छकरण किस राज्य में है, तो हमने कहा कच्छकरण है आपके गुजरात में। सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, इसको नोट करिएगा कि सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन में आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि भैया सफेद
मरुस्थल आप बोल देंगे कि भैया मरुस्थल है राजस्थान वाला, नहीं, सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है, कच्छ के रण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि प्रायद्वीपी पठार में, देखो ऐसे दिया है प्रायद्वीपी पठार किस प्राचीन भूखंड का अंग है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपी पठार किस प्राचीन भूखंड का अंग है, तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का है, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदान में से आते हैं, तो देखो आपसे कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक आपका है, तो गुजरात से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक जाता है, पश्चिमी तट मतलब आपका ये हो गया, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आपका जाता है। देखा जाए तो कयाल अनामक जो आपके लैगून है ये आपके पाए जाते हैं केरल में। कोंकण तट कहां से कहां है, तो गुजरात से आपके कहां पर है, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, ये आपका यहां तक हो जाएगा। गोवा से कर्नाटक, गोवा से हम लोग कर्नाटक तक जाएंगे तो ये तट हो जाता है कन्नड़ तट हो जाता है। और केरल में कौन सा तट है, तो भैया यहां से यहां तक जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मालाबार तट हो जाता है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि गुजरात के निकटवर्ती मैदान को क्या कहा जाता है, गुजरात के निकटवर्ती मैदान को कहते हैं कच्छ और कठियावाड़ा मैदान कहा जाता है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहां पर है, जहां पर ज्वार भाटे आते हैं, तो आपके गुजरात में आते हैं सबसे ज्यादा आपके। अगला दिया है साल व सागौन वनों की प्रधानता किस मैदान में है, कोंकण मैदान में है, कोंकण मैदान में। अगला कौन सा तटीय मैदान अधिक फटा, देखिए कह रहा है कौन सा तटीय मैदान अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तनों व बंदरगाहों के लिए अधिक उपयोगी है, तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अर्थात ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये बहुत कटा फटा है ना, इस वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह वगैरह है ये आपको देखने को यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के द्वीप समूह, क्या दिया है भारत के प्रमुख द्वीप समूह, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सालसेट और एलिफेंटा द्वीप, अभी हमने बताया था कि ये पश्चिमी घाट पर है आपका एलिफेंटा द्वीप, कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में है जो कि मुंबई। देखो रामेश्वरम द्वीप कहां पर है आपके तमिलनाडु में है, श्री हरिकोटा द्वीप कहां पर है आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। कौन सा द्वीप नारियल के प्रसिद्ध है, तो लक्षद्वीप जो आपका है नारियल के लिए प्रसिद्ध आपका है। कौन सा द्वीप कोरल या प्रवाल से बना हुआ है, तो आपका जो लक्षद्वीप आपका है ये किससे बना है आपके कोरल या प्रवाल, अर्थात प्रवाल भित्ति से बना है, मूंगे की चट्टानी जिसे बोल देते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा द्वीप प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल भी माना जाता है, तो दोस्तों ये जो आपका रामेश्वरम आपका द्वीप है ये प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल भी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीपी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका अंडमान जो आपका है ना, जो कि भारत में है, लेकिन ये आपसे आपका देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अब जम्मू कश्मीर हो गया है, तो इस वजह से तो अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं होता है तब आप लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार लगाएंगे, ठीक है ना। अगला है कि अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक है, सैडल पीक, ठीक है नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। अगला ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ग्रेट निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट थुल्लई, क्या नाम है माउंट थुल्लई हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन है, जो कि आपके मध्य अंडमान में पड़ता है। अगला आपसे कह रहा है कि भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि नारकोडम है ये कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान में है। तो याद रखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि नारकोडम है, दो ज्वालामुखी आपके भारत में है। अगला है कि अंडमान निकोबार किस महासागर व खाड़ी में अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार किस महासागर या खाड़ी में, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर आपका है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर आपका है। सेल्युलर जेल कहां पर है, आपके पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान और म्यांमार को कौन पृथक करता है, तो बताया कि अंडमान जो है और म्यांमार को पृथक करता है कोको पैसेज, क्या कोको, यहाँ पर है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो आपका स्थित है वो डंकन पास है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डंकन पास किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ा होगा मालदीव जो आपका है और मिनी काय के बीच आपकी 8 डिग्री जो आपका 8 नंबर पे जाता है ना, मतलब जैसे 10 डिग्री चैनल है वैसे 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनी काय के बीच आपका है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर आपका है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर है। अगला है कौन सा द्वीप रामेश्वर सेतु का एक द्वीप है, रामेश्वर सेतु, ये देखिए पंबन द्वीप जिसे रामेश्वर द्वीप कहते हैं, पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, तो आपकी मन्नार की खाड़ी में है, किसमें है, मन्नार की खाड़ी में है। अगला दिया गया है कि भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण किस द्वीप पर करता है, चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है जो भारत है अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के लिए परीक्षण यहाँ पर करता है अबुल कलाम द्वीप से करता है, जो आपके प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है। कौन सा भारतीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो हमने बताया माजुली द्वीप जो कि आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये जो आपका एमपी बिल्कुल पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला है देश का पहला द्वीपी जिला कौन सा है, नोट करिएगा देश का पहला द्वीपी जिला ये है माजुली द्वीप है, जहां पर आपका माजुली द्वीप आपका सबसे बड़ा द्वीप आपका है। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुक्का मारना होता तो आप लगा सकते थे, क्योंकि द्वीप वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा है और जिला है तो एक ही जिला है माजुली वाला। अगला है भारत का अधिकतम आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट द्वीप जो आपका है ये मुंबई में है, ये मुंबई में है और सबसे अधिक आपके आबादी वाला है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र बोल सकते हैं सालसेट। अब आते हैं प्रायद्वीपी भारत के पर्वत में, जैसे अरावली पर्वत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आपके अरावली पर्वत है ना, मतलब विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित है, तो आप कहेंगे विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतों में कौन सा पर्वत है आपके अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत
कहां से कहां तक विस्तार है, तो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। याद रखिए ज्वारा वाली पर्वत है ये राजस्थान में भी है, दिल्ली में है, गुजरात तक इसका विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी में जो आपका हिल स्थित है ना, वो जो रायसीना हिल, इसी में आपके है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। देखो दिया गया है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है, याद रखिए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, तो आपके राजस्थान में है। कहां पर है, आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत किस प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि के लिए होता है। अगला है कि दिलवाड़ा और जरखा जो पर्वत चोटियां हैं किस राज्य में है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां ये राजस्थान में है। अगला है जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो याद रखिए इसी पहाड़ी पर आबू पर्वत पड़ता है, याद रखिएगा इसी पहाड़ी पर ही आबू पहाड़ी पड़ती है, अर्थात इस पर्वत पे, अरावली पहाड़ी पे एक आबू पहाड़ी है, वहीं पर आपका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत का कौन सा पर्वत उत्तरी मैदान और उत्तरी मैदान की नदियां और प्रायद्वीपी नदियों की विभाजन कार्य करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में जो उत्तरी मैदान है और जो आपका प्रायद्वीपी है, तो यहां पर इसमें से एक पर्वत क्षेत्र पड़ता है विंध्य पर्वत, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, कौन, विंध्य पर्वत करता है। देखो एक दिया गया सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहां से है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक आता है सतपुड़ा श्रेणी। देखो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ नाम है, क्या नाम है, धूपगढ़ नाम है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। धूपगढ़ किस पर्वत पर है, तो आपके सतपुड़ा पर्वत के अंश महापर्वत पर, महादेव पर्वत पर आपका है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत के जो मैकाल पर्वत की सबसे चोटी, आपकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कहां पर है, तो आपके अमरकंटक में है, ठीक है ना, मैकाल पर्वत अमरकंटक। देखो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपके अमरकंटक से होता है। सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो सतपुड़ा जो आपका है प्राचीन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर देखो दिया है भारत का कौन सा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच आपका जल विभाजन का कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि भारत का कौन सा है ना पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत आपका है, नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा है, मतलब आप समझिएगा कि भैया जो ताप्ती नदी आपकी जा रही है, सतपुड़ा जो पर्वत आपका है इस प्रकार से है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, कौन, ये सतपुड़ा करता है। नर्मदा ऊपर हो जाती है, ताप्ती यहाँ हो जाती है, बीच में आपका पर्वत हो जाता है। अगला दिया गया है कि सतपुड़ा का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो ग्रेनाइट हुआ बेसाल चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, आईएमपी पॉइंट आपको नोट करिएगा कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो आपके पंचमढ़ी पर्वत को कहते हैं, किसे कहते हैं, पंचमढ़ी पर्वत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र, देखिए भैया दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा प्रमुख पर्वत है, तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई है ना, कार्मेम पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पर्वत विस्तृत रूप से किन राज्यों में फैला है, तो तमिलनाडु, केरल और आपके कर्नाटक में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट करते चलिएगा, जो हम आपको बताते चलते हैं उनको नोट करते ही चलना है। ये दोदा बेटा है आपकी सबसे ऊंची चोटी है, आपके नीलगिरी पर्वत की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या इसे उदंत मंडलम कहते हैं, ये नीलगिरी पर्वत पर भी आपका है, याद रखिएगा। ऊटी कहां पर है, एक दोस्तों हिल स्टेशन भी है, ये नीलगिरी पर्वत पर आपका है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे बोलते हैं माकुर्ती, बोलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में किस स्थान मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं। अन्नामलाई पर्वत किस राज्य में है, तो केरल में आपका है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की आपकी चोटी है, ठीक है, केरल में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टमुड़ी, क्या दिया, अन्नामुड़ी चोटी किस राज्य में है, तो आप कहेंगे केरल में है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताया कि हमने अन्नामुड़ी है। केरल में स्थित शांत घाटी किस पर्वत क्षेत्र में आती है, तो शांत घाटी जो आती है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में आपकी आती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस पर्वत को इलायची पर्वत कहते हैं, कार्डमम पर्वत को कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डमम पर्वत, याद रखिए कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पालघाट और सेनकोट दर्रे किस राज्य में है, पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा कहां पर है, केरल में है। भोरघाट और थालघाट दर्रे किस राज्य में है, तो भोरघाट थालघाट कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन पूछेगा। पालघाट दर्रा कहां पर है, तो आपके केरल और तमिलनाडु में आपका है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे भोरघाट और थालघाट, ये आपके महाराष्ट्र में, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां पर बताइए अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि पश्चिमी घाट, बताइए पश्चिमी घाट में कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है, तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई आपकी लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से, तो तापी नदी से स्टार्ट होता है, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक आपका है लगभग 16 किलोमीटर आपका है। अगला दिया है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपके सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों में, देखो केंद्रमुख है, हरिश्चंद है, महाबलेश्वर है, कलसुबाई जो आपकी है, ये पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। अगला है पश्चिमी घाट कल जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो भैया पश्चिमी घाट जो आपका 6 राज्यों में, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा और तमिलनाडु तक में फैला हुआ है जो आपका पश्चिमी आपका तट हो जाएगा। अगला दिया गया है पश्चिमी तट की प्रमुख विशेषता क्या है,
तो यहाँ की नदियां ज्वर नदमुख अर्थात एस्चुरी बनाती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, तो 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है कि केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके पाल घाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो हमने बताया पूर्वी घाट आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो भैया तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आपका उड़ीसा है, यहाँ तक में विस्तार है आपका कौन, पूर्वी घाट का विस्तार है। अगला है कि वेलीकोंडा और पालकोंडा पर्वत किसके अंश है, पूर्वी घाट के हो जाएंगे। पूर्वी घाट को सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो जिंदगढ़ आपका है, यहाँ पर दिया गया उसे महेंद्रगिरी होना चाहिए। यहाँ पर अगला है देखो, यहाँ पर महेंद्रगिरी करिएगा, दिया है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर, नीलगिरी पर्वत पर आपके मिलते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोट, अच्छा सॉरी माफ करिए, देखो यहाँ पर ये आपको मिला है जिंदगढ़, ठीक है जिंदगढ़ा है, और अगर दूसरी पूछ लेता है तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है दूसरी पूछ ले तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, जैसा ऑप्शन पूछे जैसा ऑप्शन में कहा जाए वैसे आपको बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर नदियां अपवाह तंत्र, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र देख सकते हैं कि भैया सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, चलिए बताएगा कि सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कहां से होता है, तो आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से आपका है ना, निकट कैलाश पर्वत के जो आपका बोखर चुके निकट एक हिमनद से होता है। सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं कि सिंधु को जो कहते हैं वो सिंगी खान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु की लंबाई, कुल लंबाई जो आपकी 2828 किलोमीटर है, भारत में सिंधु नदी का कुल लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी का मुहाना, सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है, मतलब ये है कि सिंधु नदी जो आपकी आती है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो आपकी आती है कुछ ऐसे आपके बांग्लादेश वाले में आती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किन केंद्र शासित राज्यों में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रवाहित होती है। लेह कहाँ पर अवस्थित है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर, याद रखिए जो लेह है ये सिंधु नदी के दाएं तट में, कहां पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको अवस्थित जो आपका लेह है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, दिया गया भारत के किस स्थान पर सिंधु नदी का प्रवेश करती है, भारत के किस स्थान पर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो दमचोक जो आपका है यहाँ पर करती है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के किस ओर से बहती है, तो पश्चिम से बहती है। सिंधु नदी, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कारबुल है, कुर्रम है, गोमल है, संबर है, तोची आपका है, विभवा है, सियोक नदी भी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सियोक नदी वाला। बाकी यहाँ पर देखिए बाएं तट वाली जो नदियां हैं, बाएं तट वाली ये कि जासकर, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जो आपसे हमेशा पूछी आती हैं वो बाएं तट वाली ही पूछी आती हैं। जासकर जो आपकी है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज आपकी है। ठीक है ना, यहाँ पर बाकी जो आपकी बाएं वाली है, बाएं वाली में जो आपसे पूछा जाता है ये जैसे आपका दिया गया है बाएं वाली, सॉरी दाएं वाली हो जाएंगी, ये बाएं वाली है। अगला दिया है पंचनद में कौन सी नदियां शामिल है, आपने पंचनद का नाम सुना होगा, पंचनद में आपका देखिए झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है और आपकी सतलज है। सिंधु की किस सहायक नदी को मध्य एशिया में चार कंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिला है, याद रखिए कि भैया जो आपका सिंधु की किस सहायक नदी को मध्य एशिया में चार कंडी कहते हैं और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं, सियोक नदी को, इसमें बाढ़ आ जाती है, इसमें बाढ़ आ जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु नदी भारत के पश्चात किस देश में प्रवाहित होती है, तो आपके भारत के बाद पाकिस्तान में जाती है। किस समझौते के अनुसार तीन पूर्व नदियों जो कि ब्यास है, रावी है, सतलज, इसका 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि तीन पश्चिमी नदियां जो आपकी हैं सिंधु, चिनाव और झेलम का 80% ये करेगा कौन, तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान करेगा। ये सिंधु जल संधि आपकी हुई थी, है ना, जो कि आपके 1960 में हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के तत्कालीन थे आपके राष्ट्रपति अब्यूस खान थे। आते हैं आपकी चिनाव नदी में, चिनाव को हम लोग पुराने समय में अस्कनी के नाम से जानते थे, किस नाम से, अस्कनी। तो चिनाव नदी किन दो नदियों से मिलकर, तो चंद्र और भागा के नाम से ये आपकी जाती है, दोनों जुड़ती हैं, तब इसे चिनाव नदी कहते हैं। चिनाव नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, तो बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश है। चिनाव नदी की भारत में लंबाई आपकी 1180 किलोमीटर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाव नदी है। महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में जैसे बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, ये किस नदी पर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी चिनाव नदी पर पूछेगा। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना, आप कहेंगे चिनाव नदी में, ये बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है। अगला पॉइंट आपका आता है रावी या पारसुनी नदी। रावी को पुराने समय पारसुनी नदी कहते थे। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश से है। रावी नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं, तो आपका चमेरा बांध है और आपका थीन बांध है ना, थीन बांध को पोंगबांग भी कहते हैं। तो चमेरा और थीन किस पर है, आपकी रावी नदी पर है। रावी नदी का विलय किस नदी में होता है, तो आपकी चिनाव नदी में इसका विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्यास या बिपाशा नदी। ब्यास या बिपाशा नदी, देखिए ब्यास को हम पुराने समय में बिपाशा नदी कहते थे। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है, ब्यास कुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में आपका है। ब्यास नदी किस स्थान पर सतलज नदी मिलती है, तो आपके हरिकेश बैरा से मिलती है।
वहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई जो राजस्थान के लिए जल सिंचाई आपके यहाँ पर करती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी कौन सी जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, तो ब्यास नदी आपकी ऐसी है जो भैया पाकिस्तान में नहीं जाती है, जो कि आपकी सिंधु की एक सहायक नदी है। यहाँ पर दिया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती, तो हरकेज बांध से होती है। ब्यास नदी पर किन बांधों का निर्माण हुआ है, तो पोंग बांध और मंडी बांध बना हुआ है जो कि आपकी ब्यास नदी पे। अगली नदी आपकी है सतलुज नदी, याद रखिए इसे सत्योदर के नाम से जानती थी। सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है, राक्षस ताल जो कि राक्षस ताल इसे कहते हैं, ये आपके तिब्बत में आपका है। सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आपके सिपकीला दर्रा से, बिल्कुल आईएमपी है, इसको नोट करिएगा कि सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि सतलुज नदी पर कौन से बांध निर्मित किए गए हैं, तो भाखड़ा नांगल बांध, नापता झाकरी बांध, ये सतलुज नदी पर आपके निर्मित है। देखो सतलुज किस प्रकार की नदी है, तो सतलुज किस प्रकार की है, ट्रांस हिमालयी नदी है। ये ट्रांस हिमालय को पार करके आपके भारत में प्रवेश करती है। आते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र में, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नदी बेसिन 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा नदी बेसिन अर्थात गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र, एक प्रकार से इसकी जो सहायक नदियां हैं या इसका पानी जो जाता है, कुल मिला के ये गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा इसका 11 राज्यों में इसका फैला हुआ है। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो गंगा नदी आपकी बनी है अलकनंदा और भागीरथी, जो उत्तराखंड में आपका है, याद रखिएगा। देवप्रयाग कह रहा है अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, तो संतोपथ हिमालय जो हिमानी है आपकी उत्तराखंड से निकलती है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, जो उत्तराखंड से निकलती है। दोस्तों अलकनंदा में पिंडर नदी कहां मिलती है, तो अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी अलकनंदा मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जैसे गंगा नदी दी गई है, अब गंगा नदी में आप देखेंगे कि भैया भागीरथी गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड से आई, अलकनंदा संतोपथ हिमनद से आई, उद्गम जो आपके उत्तराखंड में है, और यहीं पर आपका बना है, यहां पर एक टेहरी बांध है और यहां पर बद्रीनाथ मंदिर भी आपका है, ठीक है। इस वाले जो अलकनंदा नदी उसी किनारे बद्रीनाथ मंदिर है, टेहरी बांध आपकी भागीरथी बना है। ये दोनों आते हैं आपके देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में जब देवप्रयाग में आती हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलने से ही ये देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है, आपकी गंगा हो गई। अब ये गंगा नदी जो आपके देखा जाए, तो आपके कहां आती है, मैदानों क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है। दोस्तों याद रखिएगा कन्नौज राम गंगा नदी, अर्थात कन्नौज में ये राम गंगा नदी बोला जाता है। गढ़वाल की पहाड़ियों से उत्तराखंड से आती है राम गंगा नदी, इसमें आपकी मिल जाती है कन्नौज में, ठीक है। जो आपकी गढ़वाल की पहाड़ियों से उत्तराखंड से आती है राम गंगा नदी, वो आपकी कन्नौज में आपकी आती है। दोस्तों बंदर पूंछ की चोटी से अर्थात यमुनोत्री हिमनद से जो आपकी यमुना नदी आपकी आती है, जो कि प्रयागराज में आपका इसका मिलन होता है, किसका, यमुना नदी प्रयागराज मिलती है। और यमुना नदी में देखिए चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी और बघेल नदी, ये यमुना के सहायक नदी आपकी हो जाती है। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलेंगे पूरा गंगा नदी आपको समझ में आएगा, जो नदियां हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे राम गंगा नदी किसकी सहायक है, आप कहेंगे सर गंगा की है, कन्नौज में आती है। यमुना नदी किसकी सहायक है, प्रयागराज की है। और भैया यहाँ पर यमुना के सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और आपका केन और बघेल है। अब यहाँ पर गंगा नदी आगे चलती है आपकी वाराणसी में, वाराणसी की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर आगे आते हैं गाजीपुर, तो देखो यहाँ पर एक फुल्लर झील है, फुल्लर झील से भैया गोमती नदी आती है ना, पीलीभीत जिला से, जो उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील है, वहां से गोमती नदी आती है और गाजीपुर में आके मिलती है। कहां पर गोमती नदी मिलती है आपकी, गाजीपुर मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी है आपकी, किसकी, गंगा की, लेकिन गाजीपुर में आती है। अब यहाँ पर देखिए एक सोन नदी है, सोन नदी जो आपको मालूम है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली एकमात्र नदी है, अमरकंटक झील से निकलती है सोन नदी, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद है, उत्तरी कोयल है, जोहिला है। सोन नदी आपकी मिलती है दानापुर में, मिलती है आपकी, दोस्तों याद रखिएगा, पटना से पहले थोड़ा आपका है। लेकिन एक आपकी नदी आती है कौन, घाघरा नदी, ये मानसरोवर झील के निकट आपके माप चांगदू हिमने से निकलती है। घाघरा नदी मिलती है छपरा बिहार में आती है, तो घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी छपरा, जो कि गंगा की है, जो कि छपरा में मिलती है। अब हम लोग गंगा को ले चलते हैं पटना, और पटना से पहुंचते हैं आपके हाजीपुर में। जब हाजीपुर में पहुंचते हैं तो नेपाल से एक नदी आती है गंडक नदी, वो गंडक नदी भी आपकी कहां मिलती है, गंगा मिलती है, कहां पर, हाजीपुर में। अगला आते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं भागलपुर, भागलपुर में दोस्तों तिब्बत की गोसाईनाथ की चोटी से निकलकर आती है कौन सी, यहां पर देखिए कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे बिहार का शोक कहते हैं, और ये भागलपुर में आके ये मिल जाती है, अर्थात कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी हो गई। यहां पर देखो अब आते हैं कहां पर, बंगाल में, तो भैया पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो फरक्का में जब पहुंचते हैं, फरक्का में पहुंचते हैं तो गंगा की धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर आपका बना हुआ है, याद रखिए ये जो आपका है फरक्का। फिर इसके बाद आते हैं तो गंगा की दो धाराएं विभक्त हो जाती है, ठीक है, याद रखिए बैराज, फरक्का बैराज वाला तो हो गया, अब उससे थोड़ा सा आगे आगे तो गंगा की दो धाराएं विभाजन हो जाती है। ये कौन कौन सी होती है, तो एक होती है हुगली धारा, हुगली जो कि देखिए कोलकाता में गंगा हुगली नदी के से जान जाती है, अर्थात कलकत्ता में गंगा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। जो गंगा नदी है वह कलकत्ता में हुगली नाम के जानते हैं, और हुगली नदी कहां जाती है, गंगा सागर द्वीप में जाती है, वहां से जाती है बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी धारा जो आपकी जाती है वो भागीरथी में। अब देखिए भागीरथी जब हम लोग बोले कि भैया भागीरथी से बोला गया है,
तो गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने पर भागीरथी नाम से जानती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई है तब इसे भागीरथी कहते हैं। अब आगे जाएंगे तो ये पद्मा नदी अर्थात जो आपके बांग्लादेश स्थान पर भागीरथी और जमुना मिलती है, तब ये क्या होता है ब्रह्मपुत्र नाम से मिलने वाली पद्मा नदी ये होती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी और जो आपकी है कौन गंगा नदी ये मिलती है उसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना नदी बोलते हैं। और आगे आते हैं मतलब वही जो आपकी दोनों धाराएं मिल जाएंगी, दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो आपकी मेघना कहलाएंगी और इसके बाद अंत में ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। तो गंगा नदी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है, इतने बड़े इमेज में सब कुछ आपको कंप्लीट हो गया। आगे आइए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अलकनंदा भागीरथी कहां पर आपस मिलती है। चलिए अलकनंदा व भागीरथी कहां पर आके मिलती है, तो देवप्रयाग में। अलकनंदा किन दो नदियों से मिलकर, तो आपके धौली गंगा और विष्णु गंगा से बनती है। धौली गंगा विष्णु गंगा आपस में मिलकर कहां पर, तो अलकनंदा बनती है विष्णु प्रयाग में। दोस्तों गंगा गंगा किस शहर तक पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, गंगा किस शहर तक पर्वतीय क्षेत्र में, तो हरिद्वार। हमने अभी बताया था कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा कहां पर, आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसके पहले यह सब पर्वतीय क्षेत्र में रहती है गंगा। अगला है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो घग्गर और तीस्ता। याद रखिए गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच, तो आपके घग्गर और तीस्ता के बीच यहां पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा गंगा नामक दो धाराओं से मिलती है, तो आपकी गंडक नदी जो आपकी है ये दोस्तों आपकी देखा जाए तो इसकी सहायक नदी है काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो धाराएं मिलती हैं तो गंडक नदी यहाँ पर कहलाती है। आगे आइए, अगला पॉइंट दिया है गंगा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, गंगा नदी किन राज्यों से, तो आप कहेंगे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आ गई, बिहार से और पश्चिम बंगाल से होकर आती है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का मुहाना कहाँ था, बंगाल की खाड़ी था। किस उच्च न्यायालय ने 2017 में गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है, याद रखिए ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, देखिए क्या कह रहा है इसको समझिएगा। किस उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गंगा का विस्तार सर्वाधिक है, तो भैया याद रखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है आपका गंगा का। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर है, याद रखिए कानपुर हो जाएगा। अगला है कि भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो गंगा नदी का है। किस वर्ष भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था, 2008 में दिया था। गंगा नदी किस राज्य के सर्वाधिक जिलों से, तो आपके 28 जिलों से उत्तर प्रदेश में आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो भागीरथी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में भागीरथी कह रहा है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी से कौन सी नदी पृथक होती है, तो आप कहेंगे हुगली नदी, है ना। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद पद्मा किस नाम से जानती है, मेघना के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा किस नाम से, तो मेघना के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भैया ये नदियां मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर किस नदी किनारे, आप कहेंगे अलकनंदा किनारे बसा हुआ है। गंगा की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो गंगा के दाएं तट में से यमुना टोन सोन चंबल सिंध केन और बेतवा ये दाएं तट की हैं, और बाएं तट की बोले तो रामगंगा महानंदा गोमती घग्गरा है ना, यहाँ पर गंडक कोसी नदियां ये बाएं से आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दाएं बाएं तो जानते ही होंगे भैया, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो इधर से आपकी आ गई बाएं हो गई, इधर आपके दाएं वाली हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वाटर हाईवे 1 जो कि सबसे बड़ा ये वाटर हाईवे है प्रयागराज से हल्दिया तक आपका आता है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखा जाए गंगा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में से, जैसे रामगंगा नदी, तो देखिए रामगंगा नदी का उद्गम कहां से है, तो आपके गैरसैंण के निकट आपके गढ़वाड़ की पहाड़ियों से होता है। रामगंगा नदी क्या है, रामगंगा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है। कौन सी नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, तो रामगंगा नदी ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। अब आते हैं कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है, गोसाईनाथ चोटी जो कि आपके तिब्बत में है। कोसी गंगा में कहां मिलती है, तो कटिहार जिले में बिहार में मिलती है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। जो एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ा रहे हैं। इतना पढ़ लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम पास करेंगे, बाकी आपके एग्जाम के लिए तो रामबाण आपका है। देखो दिया है महानंदा। दोस्तों महानंदा का उद्गम आपके दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। महानंदा जो आपकी है गंगा में किस स्थान पर मिलती है, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास मिलती है। गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा में बाएं तट से मतलब यहां पर देखा जाए बाएं तट में से ये महानंदा मिलती है, ये अंतिम नदी है जो गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड से होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से, तो आपके छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड से होता है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपकी हुगली नदी की, हुगली नदी है।
अगला दिया गया है कि दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? इंद्रावती, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, ये वाजिब क्यों हो जाएंगे। इंद्रावती याद रख लेगा, बाकी आपको बराकर रख लेना है, बोकारो रख लेना है, बाकी और ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अगला दिया गया है चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी की बात करते हैं, तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपके मऊ जो कि मध्य प्रदेश के निकट बिंद पर्वतमाला की जाना पाऊ पहाड़ी से होता है। क्या? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? मऊ जो कि मध्य प्रदेश के निकट बिंद पर्वतमाला की जाना पाऊ पहाड़ी से होता है। चंबल नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? चंबल नदी किस नदी में? तो आप कहेंगे यमुना में विलीन होती है, इटावा में आकर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी उत्खात या भूमि या बीहड़ का निर्माण करती है? तो भैया ये आपकी बीहड़ आपकी चंबल नदी है जो आपकी बीहड़ का निर्माण करती है। छिपरा किसकी सहायक नदी है? तो छिपरा आपकी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोन नदी। सोन नदी कहां से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। सोन की प्रमुख नदियां जो आपकी हैं, रिहंद है, कन्हार है और आपका गोपद है, जिसमें रिहंद आपको रट लेना है। अगला है सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पटना से पश्चिम में जब दानापुर जाएंगे वहां पर सोन गंगा आपके गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा, कह रहा है यमुना गंगा नदी में कहां मिलती है? यमुना गंगा नदी में कहां मिलती है? तो आपके प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा 19 जिलों से आपकी बहती है, है ना। यमुना जो आपकी है उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से। यहाँ पर दिया है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिए पुलिस एग्जाम में पिछली बार भी देखो क्वेश्चन आया था कि भैया चंबल, बेतवा, केन, हिंडन नदियां, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यमुना की सहायक नदी बेतवा का उद्गम कहां से होता है? तो यमुना की सहायक नदी बेतवा का उद्गम होता है विंध्य पहाड़ियों से। कहां से होता है? विंध्य पहाड़ियों से होता है। अगला है कि यमुना नदी किस प्रकार की नदी है? तो बर्फ पोषित नदी है। क्या है? ये बर्फ पोषित नदी कहा जाता है यमुना नदी को। कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों सोन नदी है, वो सीधे आकर गंगा में मिलती है। सीधे आकर गंगा में मिलने वाली नदी है आपकी सोन नदी। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है? तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से? तो आपकी ये है केन नदी। इसलिए केन नदी पर आपकी संयुक्त परियोजना यहाँ पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से? सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला है कि किस पर्वत के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखिए ब्रह्मपुत्र अपने भारत में जो प्रवेश करती है नामचा बरवार पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां से प्रवेश करती है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ा? तो ब्रह्मपुत्र का नाम जो ब्रह्मपुत्र पड़ा है वो आपके असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र आपके भारत में अरुणाचल प्रदेश है ना, फिर आपके असम, फिर आपके मेघालय में प्रवाहित होती है, इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। अगला है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। क्या? जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, जो कि सादिया से धुबरी तक जाता है। पहला नंबर कौन था? तो पहला नंबर आपका था वाटर हाईवे 1, जो कि आपके प्रयागराज से हल्दिया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है, जो कि दूसरा बड़ा आपका है, जो कि सादिया से धुबरी तक आपका जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है? तो ये माजुली द्वीप है, जो कि आपके असम में है। अगला दिया है मयूर द्वीप किस नदी पर है? मयूर द्वीप किस नदी पर है? तो आपके ब्रह्मपुत्र पर आपका है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके दाएं तट पे से जो आपकी आती हैं सुबनसिरी, मानस, कामेश, ओमा और तीस्ता नदियां हैं। दाएं का मतलब हो गया इस प्रकार से जाती है सुबनसिरी, मानस, कामेश, आमो और आपकी तीस्ता नदियां। देखिए यहाँ पर पूछेगा ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदियां कौन है? तो कोपली है, बैराक है, दिबांग है, लोहित है, मेघना है, धनसिरी है, ना। तो याद रखिए इसमें दिबांग पूछा जाता है, लोहित पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं? नोट कर लीजिएगा कि किस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं? तो याद रखिए यहाँ पर लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिए खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है तीस्ता नदी। क्या आता है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है पहुरी भीमनद से, जो कि सिक्किम से है। पहुरी नदी भीमनद है, जो कि सिक्किम से है। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है तीस्ता विवाद। तीस्ता नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर देखो प्रायद्वीपीय नदियों में जो अपवाह तंत्र में कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां।
अरब सागर में गिरने वाली नदी में से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपकी नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी जो कि आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यहाँ पर नदी है। देखो आपसे कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है, ठीक है ना। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी जो कि आपके अरब सागर में है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपका है, यहाँ पर नर्मदा नदी इस प्रकार से आती है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध भी बना है। देखिए कि नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है, तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो तवा, सीर, बंजर और आपका ओरसंग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धुआंधार, दुग्धारा, कांपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर आपका है। धुआंधार, दुग्ध धारा व कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपके नर्मदा नदी पर आपके बने हैं, जिसमें से नर्मदा नदी पर पूछा जाता है कि कांपिल धारा है ना, दुग्ध धारा है, धुआं धारा आपका, तो आपके नर्मदा नदी पर ये आपके जलप्रपात है। नर्मदा नदी विवाद से जुड़ा हुए राज्य कौन है, तो नर्मदा नदी विवाद से जुड़ा है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये जो आपके हैं दोस्तों, याद रखिए नर्मदा विवाद से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच प्रवाहित होती है जो नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी है। नोट कर लीजिएगा कि भैया अरब सागर में गिरने वाली भारत की, देखिए यहां पर अरब सागर में गिरने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम पूर्व बहती है ना, तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगा 1312 किलोमीटर। आगे आते हैं यहाँ पर, देखिए तापी नदी, इसे हम लोग ताप्ती नदी कहते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी का जो उद्गम है कहां से होता है, मुल्ताई पहाड़ी से, जो कि बैतूल में आपका पड़ता है, बैतूल मध्य प्रदेश में। तापी नदी का मुहाना कहां पर, ये गिरती कहां पर है, आपके खंबात की गाड़ी में जो कि अरब सागर में गिरती है। यहां पर देखिए कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कौन है, तो आपकी ताप्ती नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे गिरना है और आपकी अरुणावती नदियां हैं। ताप्ती नदी किस प्रकार की नदी से घाटी से प्रवाहित होती है, तो ताप्ती नदी किस प्रकार की नदी घाटी से, तो आप कहेंगे भ्रंश घाटी से। हमने कहा कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी कौन है, तो आपकी नर्मदा नदी भी, और आपकी देखा जाए भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी ताप्ती नदी भी। अब यहाँ पर देखो दिया गया है माही नदी, माही नदी की बात करते हैं, तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो भैया मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा गांव में बिंद श्रेणियों से होता है। कहां से, तो आपकी बिंद श्रेणियों से आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला दिया गया है, कह रहे माही नदी का मुहाना कहां पर है, माही नदी का मुहाना कहां पर है, जवाब देना है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से इस प्रकार के आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। हमने कहा ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है कि जिसको एक बार देख लेंगे उसी से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको फंसते चले जाएंगे। तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा के शेयर करिएगा, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़े से जुड़ सके, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में आपकी और भी वीडियो बनी है, उनको भी आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। देखो आपसे कह रहा है कि आप कह रहा है कि माही नदी का मुहाना कहां पर है, खंबात की खाड़ी। हमने बताया भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कह रहा है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो आपकी माही नदी, क्या है, माही नदी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखो दिया है कि माही नदी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी सोम और जाखम नदी हैं। देखो हमने कहा कि ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है भारत में, आपकी माही नदी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया अगला है सरावती नदी। दोस्तों सरावती नदी उद्गम कहां से होता है, तो आपके शिमोगा जिले की, आपके कर्नाटक में होता है। सरावती नदी किस महासागर में विलीन हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि सरावती नदी किस महासागर में विलीन होती है, तो सरावती नदी आपकी जाती है अरब सागर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काली नदी, काली नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उत्तर कन्नड़ जिला है जो कि आपके कर्नाटक से होता है, कहां से, कर्नाटक से होता है। काली नदी किस स्थान में लुप्त हो जाती है, तो कारवाड़ की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाकर यहाँ पर लुप्त हो जाती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ नदियां हैं आपकी, जैसे आपकी है गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपी नदियों में, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है, तो आप बताना है गोदावरी नदी। गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में महाराष्ट्र से होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, चलिए बताइएगा। देखो आपसे कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, हमने कहा दक्षिण गंगा दिया है, दक्षिण की गंगा नहीं दिया है, दक्षिण गंगा दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए कि दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, क्योंकि भैया आकार और विस्तार में बड़ा होने के कारण इसको ये कहा गया है, क्लियर है ना, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदावरी नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है, तो गोदावरी नदी का अधिकांश भाग आपके महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का विस्तार किन राज्यों में है, तो गोदावरी नदी का विस्तार आपको दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है।
गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, सबरी, बेनगंगा, पेनगंगा है ना, जो आपकी प्राणहिता, पूर्णा है, या आपकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कृष्णा नदी। देखिए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपकी 1400 किलोमीटर आपकी है कृष्णा नदी के। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे कोयना है, तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, मूसी है, भीमा है, ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है कृष्णा नदी का विस्तार किन किन राज्यों से है? तो कृष्णा नदी का विस्तार कहां कहां से है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से आपका है। कृष्णा नदी का मुहाना कहां पर है? कृष्णा नदी का मुहाना आपके बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर आपका है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर आपकी कृष्णा नदी, ये बिल्कुल आईएमपी पूछा भी जाता है, ठीक है ना। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो आपके कृष्णा नदी पर ही आपके बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कोंडो देखिए कोडागु जिला जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपको मिलेगा कि भैया ब्रह्मगिरी पहाड़ी कौन सा जिला है? तो आपके कर्नाटक का कोडागु जिला है। याद रखिए दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? दोस्तों बारहमासी नदी हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, ये आपकी कावेरी नदी, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हमने कहा कि कासे कावेरी और कासे की अर्थात दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं कावेरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो भैया ये कहा जाता है पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा उसके बृहद आकार के कारण कहा गया था, लेकिन यहां पर दक्षिण की गंगा जो कहा गया है ना, दक्षिण की गंगा कहा गया, वो पवित्रता के आधार पर कहा गया। कावेरी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो कावेरी नदी को प्राचीन काल में याद रखिए पूर्णी नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से? पूर्णी नदी के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा है। कावेरी नदी का विस्तार किन किन राज्यों से है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, भवानी है ना, लक्ष्मण तीर्थ आपकी नदियां आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे है? आईएमपी पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे सर कावेरी नदी किनारे है। मेंटूर बांध, शिवसमुद्रम बांध किस नदी पर है? मेंटूर बांध, शिवसमुद्रम बांध किस नदी पर है? आपकी कावेरी नदी पर आपका, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महानदी। देखिए महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपके सिंहावा पहाड़ी जो कि धमतरी जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां से इसका उद्गम होता है महानदी का। महानदी की कुल लंबाई जो आपकी है वो आपकी 860 किलोमीटर है। महानदी का मुहाना जो आपका है कहां है? बंगाल की खाड़ी में है। हीराकुंड बांध जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध का रिकॉर्ड इसके नाम है, जो कि आपके टिकपारा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपकी महानदी पर ही किया गया है ना, मतलब जो आपका हीराकुंड बांध है और आपका पारा बांध आपका ये महानदी पर है। दोस्तों महानदी किन राज्यों में प्रवाहित है? महानदी किन राज्यों में? तो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ है, मांड है, जोंक है, तेल है और औंग है। क्वेश्चन महानदी में आपसे पूछेगा जोंक नदी और तेल नदी पूछी जाती है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं पेरियार नदी। पेरियार दोस्तों याद रखिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी आपकी है केरल की सबसे लंबी नदी। पेरियार नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पश्चिमी घाट की सिगुरी पहाड़ियों से जो कि तमिलनाडु में आपका है। पेरियार नदी का मुहाना कहां है? तो पेरियार नदी जाती है कहां पर? तो बिमना झील में आपकी जाती है जो कि केरल में। बिमना नदी पर ही दोस्तों जो आपके नौकायान होता है ना, जो खेल होता है इसी में आपका होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैगई नदी जो आपकी है कहां पर है? अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे होते ना तो इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप देखेंगे थ्योरी में आप पूरी की पूरी आराम से पढ़ जाएंगे पूरी तरीके से। देखो दिया है वैगई नदी का स्रोत कहां पर है? तो वैगई नदी दोस्तों याद रखिए वर्षानद पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। वैगई नदी कहां विलीन होती है? पाक की खाड़ी में जाती है। कहां पर? पाक की खाड़ी में जाती है। पाकिस्तान नहीं, पाक की खाड़ी जो कि आपकी कहां पर है? यहां पर जो आपके तमिलनाडु वाला आपका भारत और इसके बीच में आपका पाक की खाड़ी में जाती है वैगई नदी। अब आते हैं यहां पर स्वर्ण रेखा नदी, जिसे स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी उद्गम कहां से है? तो आपके रानी चुआ, रानी चुआ जो कि छोटा नागपुर पठार से होता है, जो कि रांची आपके झारखंड से। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी किस स्थान में विलीन होती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जमशेदपुर, टाटानगर, शहर किस नदी किनारे हैं? तो आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही आपके बसे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो, अभी एक नदियां जो आपकी थी कौन सी, पश्चिम कोर बहने वाली नदियों में एक लूनी नदी भी थी। दोस्तों लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वत से होता है, अजमेर के राजस्थान में से एक जगह पड़ती है दोस्तों, याद रखिए अजमेर से है ना, अजमेर में से। तो आपकी अरावली आपकी हो जाएगी। यहाँ पर लूनी नदी कहां पर समाहित होती है? लूनी नदी जो आपकी समाहित होती है वो आपके कहां समाहित होती है? तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नमकीन नदी किसे कहते हैं?
नमकीन नदी किसे कहते हैं, लवणी नदी किसे कहते हैं, और कच्छ केरल में गायब होने वाली नदी कौन सी है, सुखड़ी और रीलड़ी जो आपकी सहायक नदियां हैं वो किसकी हैं, सब इसी की हैं। तो लूनी नदी कहां समाहित होती है, कच्छ केरल में। किस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा कि रेगिस्तान की गंगा कहते हैं आपकी लूनी नदी को कहा जाता है। सुखड़ी जो आपकी सुखड़ी है इसकी सहायक नदी है, सुखड़ी इसकी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साबरमती नदी, क्या दिया है, साबरमती नदी जो कि आपके पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वत से, राजस्थान से होता है। साबरमती नदी कहां गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है। अगला दिया गया है अहमदाबाद है ना और गांधीनगर शहर किस नदी किनारे हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर शहर हैं आपके साबरमती नदी किनारे आपके हैं। अब यहां पर देखिएगा आपसे कह रहा, भारत में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हैं, देख सकते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न या कृषि उत्पादन से जुड़ा है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से आपका जुड़ा है, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जो कहते हैं ये पेट्रोलियम को कहा जाता है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी, शहद और आपके फल उत्पादन से होता है, गुलाबी क्रांति दोस्तों याद रखिए प्याज झींगा उत्पादन और औषधियों से संबंधित आपके जो फार्मिस्ट होते हैं उनसे संबंधित है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, याद रखिएगा भूरी क्रांति का जो संबंध है वो आपका जुड़ा है किससे, तो आपके चमड़े और कोको उत्पादन से। दूसर क्रांति जिसे ग्रे बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक उत्पादन से जुड़ा है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट पालन होता है। पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। गुल क्रांति आलू उत्पादन से हो जाएगा। सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से है। सेफ्रान क्रांति का संबंध किसे है, तो सेफ्रान क्रांति का संबंध आपके केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं, तो हरित सोना क्रांति आपके बांस उत्पादन को कहते हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। रजत रेशा क्रांति दोस्तों कपास उत्पादन के लिए आपका जुड़ा हुआ है। अगला है स्वर्ण रेशा क्रांति। देखो रजत रेशा कपास है और स्वर्ण रेशा आपका जूट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। याद रखिए रजत रेशा दिया है तो कपास है, स्वर्ण रेखा क्रांति है तो आपका जूट या पटसन उत्पादन है। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुषी चलाया गया। अब यहां पर देखो दिया गया है कि भारत के शीर्ष फल उत्पादक राज्यों में से, भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्यों में से यहां पर देखो दिया है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां होता है। चलिए बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होता है। भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। चाय का उत्पादन आपके कहां होता है, तो असम में होता है। मक्का का उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है। फलों का सर्वाधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश है। यहां पर नारियल उत्पादन आपके केरल में होता है। देखो यहां पर कपास का उत्पादन कहां होता है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। तिलहन का उत्पादन आपके राजस्थान में होता है और दालों का सर्वाधिक उत्पादन आपके एमपी में होता है, एमपी में, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, कॉफी का उत्पादन आपके कर्नाटक में, रबड़ का उत्पादन आपके केरल में, खाद्यान्न उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में। कुल खाद्यान्न के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर एक में है। सूरजमुखी का उत्पादन दोस्तों याद रखिए कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक चना का उत्पादन कहां होता है, सर्वाधिक चना का उत्पादन, तो सर्वाधिक चना का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन आपके कहां पर, उत्तर प्रदेश में होता है। सब्जी उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश, पहले पश्चिम बंगाल का नाम था, अब यहां पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सोयाबीन कहां होता है, तो आपके महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा आपका, एमपी होगा भाई, यहां पर एमपी हो जाएगा। अरहर का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में है। मूंगफली का उत्पादन आपके गुजरात में होता है। अगला है सरसों का उत्पादन कहां होगा, तो सरसों का उत्पादन कहां होता है, आपके राजस्थान में होता है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन आपके मेघालय दिया है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन इसको काट दीजिएगा, अच्छा सर ये सही है, ईडी रेशा है, क्या है, ईडी रेशम दिया है। ईडी रेशम का उत्पादन आपके मेघालय में होता है। वैसे रेशम आपके तमिलनाडु में आपका होगा, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक इलायची और काली मिर्च का उत्पादन आपके केरल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के प्रमुख बंदरगाहों की जो सूची है वो आपकी कौन सी है, देख सकते हैं कि भैया कलकत्ता एयरपोर्ट कहां पर है, कलकत्ता पोर्ट आपके कहां पर, पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह जो आपके कहां पर है, तो आपके उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आपका देखो अगला पॉइंट दिया गया है चेन्नई, देखो दिया है चेन्नई, जो जरूरी है वही पढ़ाएंगे। चेन्नई जो आपका बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु में है। कोचीन बंदर कहां पर है, आपके केरल में हो जाएगा। अगला है न्यू मंगलोर, क्या दिया है, न्यू मंगलोर जो आपका है कहां पर है, कर्नाटक में है, है ना। मुरमुगावा जो आपका है वो आपके गोवा में है। मुंबई पोर्ट आपके महाराष्ट्र में है और उसी के सपोर्ट के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके महाराष्ट्र में। कांडला कहां पर है, आपके गुजरात में है। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, तो आपके अंडमान निकोबार में है। अब यहां पर देखिए भारत में कुछ आपके दर्रे हैं, जैसे पूछेगा भारत में जैसे काराकोरम दर्रा है, करमकोरम दर्रा किस राज्य में है, आपके लद्दाख में है, जिस पर लद्दाख और चीन का मार्ग यहां से निकला हुआ है। बुर्जिल दर्रा कहां पर है, बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, जहां से दोस्तों याद रखिए श्रीनगर और गिलगित जाने का मार्ग यहां पर मिलता है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और गिलगित और लेह मार्ग का यहां से जाता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा,
पीर पंजाल दर्रा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और श्रीनगर मार्ग बनाता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये पूछा जाता है मनाली और लेह का जो मार्ग है वो कौन सा दर्रा है, तो बाड़ा लाचा दर्रा जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहां पर है, तो आपका सिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है जो कि शिमला और तिब्बत मार्ग आपका बनाता है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, मनाली और लेह के लिए मार्ग बनाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में है जो कि उत्तराखंड तिब्बत मार्ग बनाता है। माना दर्रा लिपुलेख दर्रा, तीन दर्रा आपके उत्तराखंड में महत्वपूर्ण है, नीति माना और लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका आता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है जो कि सिक्किम और तिब्बत का मार्ग बनाता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम और भूटान मार्ग बनाता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है जो कि तवांग घाटी और तिब्बत मार्ग बनाता है। यांग्याप दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा कहां पर है, तो यांग्याप दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का मार्ग बनाता है। दीफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल और आपका म्यांमार के बीच आपका है। तुजू दर्रा क्या दिया है, तुजू दर्रा कहां पर है, आपके मणिपुर में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा आपके केरल में है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा पालघाट दर्रा किनके बीच है, तो आप कहेंगे कोच्ची और कोयम्बटूर के बीच यह रास्ता बनाता है जो कि केरल तमिलनाडु के बीच आपका है। दोस्तों थालघाट और भोरघाट कहां पर है, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, देखिए कुछ आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा लाल प्रकाश, लाल प्रकाश होता है खतरे या यातायात के रुकने का संकेत देता है। हरा प्रकाश जो होता है यातायात वाहनों के प्रस्थान करने के लिए संकेत देता है। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट हमने यहाँ पर रख लिया इस टॉपिक को। देखो पीला झंडा जो होता है, पीला झंडा ये संक्रामक रोगियों को ले जाने वाला वाहन होता है, जो संक्रामक रोगी होते हैं उनको ले जाने वाला ये झंडा होता है पीला झंडा। अगला है लाल झंडा किस लिए होता है, तो क्रांति या खतरे का प्रतीक होता है। याद रखिए काला झंडा होता है विरोध प्रदर्शन के संकेत के लिए। उल्टा झंडा होता है मतलब संकट आ गया है देश में, है ना। याद रखिए सफेद झंडा होता है सांधि संधि या समर्पण करने के लिए, सफेद झंडा होता है। अगला झुका हुआ झंडा अगर होता है तो समझ जाइए कि झुका हुआ झंडा क्यों हुआ, अर्थात यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। याद रखिएगा यहां पर अगला है कि लाल रेड, है ना, लाल रेड क्रॉस जो होता है अस्पताल और डॉक्टरी सहायता के लिए होता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है, और ओली जो कि जैतून की शाखा है ये शांति का प्रतीक है। आप देखते होंगे यूनो में जो आपकी शाखा है ना बना हुआ है लोगों, उसमें आपकी जैतून की दो पत्तियां है जो कि शांति का प्रतीक आपका माना जाता है। लाल त्रिकोण अगर बना हुआ है, लाल त्रिकोण है तो परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतीक है, ठीक है, सॉरी परिवार कल्याण का प्रतीक होता है, परिवार कल्याण का। और सफेद कबूतर जो पक्षी होता है ये शांति का प्रतीक होता है। वहां पर अगर काली पट्टी बांध लिया जाए तो समझो ये विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, दुख हो गया, शोक हो गया, विरोध का प्रतीक हो जाता है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी जो होती है किसके लिए होती है, तो बिजली के लिए होती है। किसके लिए होती है, एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी होती है तो बिजली के खतरे का संकेत होता है। और अगला है कि आंखों पर पट्टी, क्या दिया है कि भैया आंखों पर पट्टी है और हाथ में तराजू लिए महिला, ये न्याय का प्रतीक होता है। याद रखिए न्याय का प्रतीक होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका आता है शोध संस्थान, शोध संस्थानों से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं। यहां पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है, कह रहे परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चलिए बताएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपके ट्रांबे जो कि मुंबई में है, ट्रांबे जो कि मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। भारतीय लाख अनुसंधान कहां पर है, तो आपके रांची में है। भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, ये सर्वेक्षण जो आपका है कहां पर है, कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्था जो आपकी है कहां पर है, देहरादून में हो जाएगा। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, जब बात आई है आयुर्विज्ञान की तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय जैविक संस्थान, पूछे जैविक संस्थान कहां पर, राष्ट्रीय जैविक रासायनिक जैविक संस्थान आपके कोलकाता में हो जाएगा। अगला है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहां पर है, आपके बेंगलुरु में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, केंद्रीय जूट कहां मिलेगा, कोलकाता में। तंबाकू कहां है, तो तंबाकू अनुसंधान आपके राजमुंद्री में है। आलू अनुसंधान कहां पर है, आपके शिमला में है। और खनन अनुसंधान कहां पर है, तो आपके धनबाद में हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सड़क अनुसंधान, सड़क अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है। ईंधन अनुसंधान कहां पर है, जिलपुई गुड्डी में आपका हो जाएगा, जिलगुड़ी में है। चमड़ा अनुसंधान कहां पर है, चमड़ा अनुसंधान आपके चेन्नई में है। चावल अनुसंधान कहां पर है, आपके कटक में है। भवन निर्माण अनुसंधान, भवन निर्माण अनुसंधान आपके रुड़की में है, कहां पर है, रुड़की हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है औषधि, क्या दिया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है, वनस्पति लग जाता है, विष अनुसंधान हो तो आपके कहां पर है, लखनऊ में। राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन अनुसंधान, राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन अनुसंधान आपके लेह में है। अगला दिया गया है कि केंद्रीय मृदा और सामग्री, क्या दिया है, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके पणजी जो कि आपके गोवा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल जो कि हरियाणा में है। धातु विज्ञान, धातु जम जाती है तो आप कहेंगे सर ये जमशेदपुर में आपके है। और अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, क्या दिया है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपके पुणे में है। राष्ट्रीय भूकंप आंकड़ा केंद्र कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है, तो आपके मुंबई में है। और औषधि विश्व अनुसंधान अभी बताया कि लखनऊ में है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया है, वाडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो आपका है वो आपके कहां पर है, देहरादून में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपके चंडीगढ़ में हो जाएगा।
अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जो हवाई अड्डे हैं, कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे में जैसे कि पूछेगा कि भैया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे ये आपके दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपकी मुंबई में। कहां पर है, आपकी मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपके कोलकाता में है। अगला है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपके नागपुर में हो जाएगा। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कहेंगे वाराणसी में है। सरदार हो गया ना, लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है, वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में होगा। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में होगा। जयपुर, जयपुर में होगा। मंगलुरु दोस्तों आपके मंगलुरु में होगा, है ना। कैंपोगोंडा हवाई अड्डा 2024 में भैया ये सर्वश्रेष्ठ अड्डा आपका बना है, कैंपोगोंडा जो आपका है ना। यहाँ पर कौन, कैंपोगोंडा। यहाँ पर दिया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचीन आपके कोचीन में है। राजीव गांधी याद रखिए, राजीव गांधी कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। कालीकट आपके कहाँ हो जाएगा, तो कोझिकोड जो कि आपके केरल में है। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ, क्या दिया है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गुवाहाटी में है। अन्ना आपके कहाँ पर है, अन्ना आपका कहाँ है, तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके इंदौर में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपके लखनऊ में है। और अगला दिया गया है कि शंख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है राज्य और बांधों के नाम और नदी का नाम। देखिए यहाँ पर दिया है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में देखा जाए कि भैया श्रीशैलम बांध जो IMP है वही हम आपको बताएंगे। याद रखिए श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर, आपके कृष्ण नदी पर है। किस नदी पर है, तो आपके याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, आप कहेंगे सर कृष्ण नदी पर आपका है जो कि आंध्र प्रदेश में है। उकाई बांध आपके कहां पर है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। उकाई बांध कहां पर है, ताप्ती नदी, और कहां पर है, तो आपके गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है, सतलुज नदी पर है, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश है ना, और पंजाब की सीमा पर आपका है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नापता झाकरी बांध। दोस्तों नापता झाकरी बांध जो कि सतलुज नदी पर है, कैसे है, तो आपके सतलुज नदी पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में आपका है। वहीं पर चमेरा बांध जो है हाल ही में रहा है, चमेरा बांध ये आपके रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है बगल बगलिहार बांध। दोस्तों बगलिहार बांध आपके जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर आपका है ना। उरी पनबिजली बांध जो आपका है झेलम नदी पर है, उरी पनबिजली बांध ये आपकी झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है अगला पॉइंट कौन है, मैथान बांध जो आपका मैथन आपके बराकर नदी में झारखंड में हो जाएगा। अगला दिया गया है तुंगभद्रा बांध। दोस्तों तुंगभद्रा बांध आपके तुंगभद्रा नदी पर कहां पर है, तो आपके कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कहां पर है, तो कृष्ण नदी पर है, कर्नाटक में ही आपका है। और अगला दिया गया है यहां पर कौन सा, अगला पॉइंट आ गया है आपका केरल में। तो केरल में दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका इदुक्की बांध कहां पर है, तो आपकी पेरियार नदी पर, किसमें है, पेरियार नदी पर आपका हो जाएगा, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, तो आपके पेरियार नदी पर ही आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजघाट बांध। राजघाट बांध आपके कहां पर है, तो आपके बेतवा नदी पर है, कहां पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका है। जितना बता रहे हैं बस उत्तर रट्टा मान लेना है, उतने आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा ज्यादा मिलना नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहां पर देखो दिया गया अगला मध्य प्रदेश में कुछ बांध है, जैसे कि भैया यहाँ पर बाण सागर बांध आपके सोन नदी पर है, आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी पर है, ठीक है ना, चंबल नदी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो भैया महाराष्ट्र में याद रखिएगा एक बांध है आपका कोयना बांध, आपकी कोयना नदी पर है, ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी में है। जायकवाड़ी बांध, क्या, जायकवाड़ी बांध आपके गोदावरी नदी पर आपका बना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है गिरना बांध, तो गिरना नदी पर है, ठीक है, गिरना बांध आपके गिरना नदी पे। वैतरणा बांध आपके वैतरणा नदी पर आपका है। अगला यहाँ पर आते हैं, अगला दिया गया है यहाँ पर तेलंगाना में, तेलंगाना में कौन सा आपका MP हो सकता है, यहाँ पर निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध आपको दोस्तों याद रखिएगा मंजीरा नदी पर आपका बना हुआ है। अगला है महाराष्ट्र में से, यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आ गया है जलापुर हो गया, इंद्रावती बांध। देखिए इंद्रावती बांध किस नदी पर है, तो आपकी इंद्रावती नदी पर आपका हो जाएगा। हीराकुंड बांध आपके महानदी पर, जो कि आपके उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है ना। और मेट्टूर बांध कहां पर है, मेट्टूर बांध आपकी कावेरी नदी पर है, जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर है, रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर आपका है। उत्तराखंड की बात करते हैं, तो टिहरी बांध जो आपका है वो आपके भागीरथी नदी पर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आपका जलप्रपात। चलिए देखिए भाई, जलप्रपात की अगर बात कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पर दिया है कुंचिकल प्रपात। कुंचिकल प्रपात जो आपका है, याद रखिएगा शिमोगा जिला जो कि आपके कर्नाटक में है, कुंचिकल प्रपात जो कि शिमोगा जिला कर्नाटक में आपका है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है कौन है, यहाँ पर दूध सागर बांध। दूध सागर जो आपका है दोस्तों याद रखिए, ये जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात आपके कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिया गया है जोग या महात्मा गांधी बोलते हैं, जोग या महात्मा गांधी प्रपात आपके कर्नाटक में है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा है, जोरांग ये नहीं होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट में, कह रहा है डल झील कहां पर है।
डल झील कहां पर है दोस्तों? डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है ना, डल झील जो आपके है जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील पूछे तो बताना है जम्मू कश्मीर में। वैरीनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यहां पर देखो राजसमंद, राज से राजसमंद दोस्तों, राजसमंद झील कहां पर है तो आप रखिएगा राजस्थान में। पिछौला झील आपके राजस्थान में। सांभर झील आपके राजस्थान में। राकस ताल, ताल वाली जो झीलें होंगी वो आपको मिलेंगी उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो राकस ताल, नैनीताल, राकस और आपको माता ताल है ना, ये हो गए कहां पर है तो आपके उत्तराखंड में। अब हुसैन सागर जो आपकी झील है, हुसैन सागर झील आपके आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त झील आपकी है। कौन सी? यहां पर पुलिकट झील, लेकिन इसका 60% आपके तमिलनाडु में आता है, इसलिए हम तमिलनाडु लगा रहे हैं। बाकी ऑप्शन में अगर तमिलनाडु नहीं होगा तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। लोकटक झील आपके कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए लोकटक झील आपके कहां पर है? मणिपुर में है। नागिन झील कहां मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, नाग वाली जितने भी झीले हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगी। अनंतनाग है ना, तो ये आप कहोगे आपके जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यहां पर दिया गया जैसमंद, जैसमंद झील आपके राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील भी कहां पर है? आपके राजस्थान में आपके है। ताल अगर आ गया है तो आप कहेंगे ताल कहां पर? उत्तराखंड में है ना। नैकुचिया ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में। और पूछे फुल्लर झील कहां पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू झील कहां पर है? कोलेरू झील कहां पर है? तो आपके आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील दोस्तों एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न, आपके यहां पर मानी जाती है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई झील कौन सी है? लोनार झील है जो कि आपके क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है। बिमनाथ झील कहां पर है? आपके केरल में है, जिसमें नौकायान खेल जो होता है इसी में होता है। अष्टमुदी झील कहां पर है? अष्टमुदी, तो अष्टमुदी झील आपके कहां पर है? तो आपके दोस्तों केरल में है। कहां पर है? केरल में है। रूपकुंड कहां पर? उत्तराखंड में है। हमने कहा अयोध्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है ना। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है। राम जन्मभूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वृंदावन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। मतलब यहां पर ये पॉइंट कह रहा है कि क्यों प्रसिद्ध आपके हैं, तो अयोध्या प्रसिद्ध है क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए। प्रयागराज दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कुंभ मेला लगता है। वृंदावन दोस्तों राम राधा कृष्ण की लीलाओं के रंग जो आपका रंगस्थली है। मथुरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण भूमि कंस मेला आपका लगता है। काशी जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखो विश्वनाथ मंदिर है, मणिकर्णिका घाट है, संकट मोचन मंदिर भी है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल दोस्तों काली घाट का जो काली मंदिर है वो आपका प्रसिद्ध है। गंगा सागर दोस्तों बंगाल में है। गंगा स्नान और मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। हिमालय क्षेत्र का उत्तरी धाम आपका है। हरिद्वार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। कुंभ मेला स्नान, गंगा स्नान का मेला और हर की पौड़ी, ये आपके कहाँ पर है? तो हर की पौड़ी आपके हरिद्वार का हो जाएगा। केदारनाथ उत्तराखंड में है, चारों धामों में से एक आपका है। गुवाहाटी आपके असम में है, कामाख्या देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, वैष्णो देवी का मंदिर है। श्रीरंग तमिलनाडु में है, श्रीरंगनाथ मंदिर और जुमकेश्वर मंदिर आपके ये आपके तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। शंकराचार्य के जो मठ आपके हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। तंजावुर आपके तमिलनाडु में है। चिदंबरम आपके तमिलनाडु में आपका है दोस्तों। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। चिदंबरम में दोस्तों नटराज का मंदिर आपका है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ इसी को रखते हैं यहीं पर, ठीक है। ये क्लास में हमने पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट कर दी। लास्ट में एक प्रकार से जो स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। इस वीडियो को एक बार आप लोग कह सकते हैं दोबारा देख लीजिएगा। ये दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आपको 3 बजे, ठीक है। कितने बजे? 3 बजे मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।